रुको, ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मिशन, स्पेशल मिशन एंटोमोलॉजी 2021 फॉर ऑल ऑफ यू एस्पायरेंट्स. आपका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. डे टू आज जो है, डे टू हमारा सेशन है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे. ये कमेंट ओके, कमेंट शो नहीं हो रहा है इसमें, कमेंट शो नहीं हो रहा है. अगर आपके भी कमेंट वगैरह शो नहीं हो रहे हो तो प्लीज़ आप जो दी गई लिंक को एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर देना, ताकि उससे क्या आपको वापस कमेंट आप कर भी सकेंगे और आपको कमेंट भी शो होंगे. हो गया, क्यों आया तो नहीं गया. ओके, जब तक कि कमेंट शो होने लग गए. ओके, सो आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस मिशन. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, एंड जैसा कि हमारा मिशन जो हमने चलाया आपके लिए, जेआरएफ एसआरएफ और आपकी जो प्री पीजी पीएचडी की एग्ज़ाम्स रहेंगे, ओके, तो उसके बारे में हमने पहले भी बताया था. बट कुछ जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, उन्होंने हमको पर्सनली मैसेज करके बोला है कि ये मिशन क्या है, इसके बारे में आप हमको अच्छे से डिटेल बताना है, और जो आप एप्लीकेशन के थ्रू हम कैसे इसको एक्सेस कर पाएंगे, आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस टाइप से हम बेनिफिटेड हो पाएंगे. ओके, और कुछ एस्पायरेंट्स से हमने बोला है कि आप बोथ द लैंग्वेज यूज़, सो मैं इंग्लिश फर्स्ट यूज़ करूँगा एंड देन हिंदी यूज करूँगा. ओके, बिकॉज इंग्लिश इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी. आपका जो पेपर रहेगा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ओके, और आपको अच्छे से उसको समझना आना चाहिए. बट आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में हम करेंगे, ताकि आपको पूरा गेन हो और आप अच्छे से उसको समझ सके. सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आल्सो नो नीड टू बी वरी अबाउट द लैंग्वेज, एंड हिंदी माध्यम वालों के भी लिए कोई डरने वाली बात नहीं है. दोनों लैंग्वेज में हम अच्छे से करेंगे. और वन मोर, एक्चुअली कल जो हम साथ हमारा कॉम्बिनेशन आया था, उसमें कुछ ने बोला है कि आपकी आवाज़ का इशू था, यानी जो वॉइस बहुत कम आ रही थी, तो उसकी वजह से हमने आज एक्चुअली टू यहाँ पे जो माइक्स थे वो अरेंज नहीं हो पाते हैं एक लाइव सेशन में. तो आज हम शिफ्ट में आएंगे. ओके, फर्स्ट आई विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड द लेटर माय कलीग विल कम. ओके, एंड यू विल प्रोवाइड द बेस्ट टीचिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, और यहाँ पे कुछ जो एस्पायरेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है एवं सब्सक्रिप्शन भी करा है, रजिस्टर्ड भी कर लिया है, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कंटेंट कब हमको उपलब्ध होगा. तो आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे ऑलरेडी हमने कंटेंट दो वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, एज वेल एज़ पीडीएफ भी अपलोड कर दी हैं, और जो आगे की स्ट्रेटजी है, किस टाइप से आपको वहाँ पे मटेरियल मिलेगा, उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ में एक जानकारी दूंगा, और उसके बाद विल कंटिन्यू फॉर द आवर मिशन. ओके, सो केयरफुली अटेंड एंड लिसन. ओके, सो इन मिशन
ओके सो दिस मिशन विल स्टार्ट फ्रॉम 31st ओके आफ्टर हमारा जो 3 दिन का जो डेमो रहेगा उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे ओके और विद ऑनलाइन हल्दर एप्लीकेशन क्लासेस ओके ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा ये आपको ऑनलाइन हल्दर एप्लीकेशन पे ही मिलेगा ओके सो हमने इसका जो एम रखा है ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू अचीव द गुड रैंक्स टू सिक्योर ICR JRF फेलोशिप ओके एंड ICR SRF फेलोशिप ये हमारा मेन मोटो है एंड टू गेट इंटर इन टू द गुड यूनिवर्सिटी फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज ओके एंड कम्प्लीटली ऑनलाइन दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली ऑनलाइन हम ऑनलाइन जैसे हम आज ऑनलाइन आए हैं इस टाइप से हम आपको ऑनलाइन टीचिंग करवाएंगे और वन मोर एक आपको मैं चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन यूट्यूब पे हम आ रहे हैं तो यहाँ थोड़ी क्वालिटी कम मिलती है लाइव सेशन में और जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पे और आपको अच्छे से क्वालिटी मिलेगी ओके तो ये भी इसका थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए हम एप्लीकेशन के थ्रू हम इसका इसको टीच करेंगे ओके एंड स्पेशल डेली चैप्टर वाइज हमारा क्लासेस रहेगा आपका 31st के बाद में डेली चैप्टर वाइज हम आएंगे और हम डिस्कस करेंगे आपसे इसके रिगार्डिंग ओके एंड करंट एग्री अपडेट्स इसमें हम करंट एग्रीकल्चर अपडेट्स भी फीड करेंगे ताकि आपके जो जनरल एग्रीकल्चर फॉर JRF फॉर SRF और अदर प्री PG PhD के लिए भी वो वहाँ पे हेल्पफुल रहेगी तो उसके लिए भी आपको इसका कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ओके एंड कम्प्लीटली क्विक रीजन वेरी क्विक रीजन रहेगा हमारा हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें बिकॉज योर एग्जाम इज ऑल्सो वेरी नियर ओनली वी हैव टू वेट फॉर 16 or 17 days सो इन दिनों के अंदर ही हमको सारा आपका रिवीजन करवाना है अच्छे से और आपको एबल बनाना है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ ओके एंड योर डाउट जो भी आपके जो डाउट आपके जितने भी डाउट आएंगे यहाँ पे हम उन डाउट्स को नोट करेंगे ओके इन लाइव सेशन और आपको उनको बिल्कुल सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे ओके सो ये भी आपको हेल्प रहेगा चार्ट्स एंड टेबल्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी ताकि आप अच्छे से इजीली एक्सप्लेन कर सक आप इजीली उसको सीख पाएंगे ओके एंड फॉर रिमेंबरिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग्स जैसा कि कुछ एंटोमोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हम थोड़ा सा याद करने में हमको दिक्कत होता है वी हैव टू रिमेंबर इट वेरी ईजी इन वेरी डिफिकल्ट वे सो उसके लिए हम फोटोग्राफ्स चार्ट्स टेबल्स एंड इजी सम ऑफ द ट्रिक्स विल यूज ओके सो बिकॉज योर एग्जाम इज वेरी नियर सो दैट्स वाई वी नीड टू डू दिस थिंग अदरवाइज हम आपको बेसिक में बहुत डीपली पढ़ाते बट अभी हमारे पास बहुत कम समय है हमको उसका उपयोग करना है वी हैव टू बी स्मार्ट फॉर दैट ओके उसके बाद में सेपरेट नेमेटोलॉजी ओके सो नेमेटोलॉजी एंड जनरल एग्रीकल्चर सो आज हम आपके लिए नेमेटोलॉजी एज वेल एज जनरल एग्रीकल्चर का भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आए हैं और हम बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो इस टाइप से हम सेपरेट एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर और नेमेटोलॉजी का भी वहाँ पे रखेंगे आपके लिए ओके एंड कंप्लीट सिलेबस बेस्ड 10 मॉडल पेपर ओके कुछ जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने हमसे पूछा है कल कि आप मॉडल पेपर कब प्रोवाइड कराएंगे तो आपको एक मॉडल पेपर तो कल आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा और एग्जाम तक आपके 10 मॉडल पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे ओके तो वो भी हम आपको अच्छे से करवाएंगे ठीक है और उसके बाद जो हमारा जो NTA बेस्ड जो आपकी एग्ज़ाम रहेगी सो इन एप्लीकेशन द सिस्टम इज़ देयर दैट द सेम लाइक NTA एजेंसी वी कैन कंडक्ट द एग्ज़ाम सो आपके लिए हम 2 mock tests रखेंगे वहाँ पे 2 mock tests आपकी 7 to 8 days की जब स्टडी हो जाएगी तब हम कंप्लीट सिलेबस का एक मॉक टेस्ट रखेंगे और बिफोर द 2 or 3 days ऑफ एग्ज़ाम उस टाइम हम एक और वहाँ पे आपके लिए मॉक टेस्ट अरेंज करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं कर पाएंगे ओके सो दैट विल ऑल्सो विल डू ओके एंड रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ दिस मिशन और दिस कोर्स ओके कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि इसका हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है क्या एडवांटेज मिल सकता है तो वो आपको मैं ब्रीफली बता दूंगा कि जो आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लेरिफाई हो जाएंगे बिकॉज हम आपके साथ लाइव रहेंगे ओके एज वेल एज योर बैचमेट्स एज वेल एज योर अदर कॉम्पिटिटर्स विल बी ऑल्सो विथ यू सो आप उनके साथ लाइव इंटरेक्शन करेंगे कुछ डाउट पूछेंगे तो इससे आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ओके सो ये आपको यहाँ पे मिलेगा आपको कन्फ्यूजन रहेगा ओके सम टाइम व्हाट हैपेंड दैट इन कॉम्प्लेक्स थिंग्स हम कैसे याद करेंगे उसको उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन हमको रहेगा तो उसको उसके लिए भी हम क्या करेंगे हम आप
आपसे डिस्कस करेंगे, आप हमसे डिस्कस करेंगे एक साथ, तो उस वजह से आपका वो भी डाउट बिल्कुल क्लियर होगा. ओके, एंड सम टाइम इन एग्जाम करेक्ट ऑप्शंस. ओके, करेक्ट ऑप्शन जो रहता है चार ऑप्शन, उसमें से हम फर्स्ट इलिमिनेट कर देंगे, सेकंड कर देंगे, बट जो थर्ड ऑप्शन होता है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, उनमें से कुछ हमको लगता है कि 50-50 उसका आंसर होगा. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं, इवन JRF SRF के एग्जाम में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यू विल बी वेरी मच कन्फ्यूजन हाउ यू विल गिव दैट आंसर. सो उसका हम बिल्कुल आपको 101% करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कि अगर ये ऑप्शन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये लगाना है. उसके लिए हम अच्छे से लिटरेचर फाइंड करेंगे कि कहाँ पर आप उसको अच्छे से साइट कर सकते हैं, यानी वो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा. ओके, दैट ऑल्सो विल डिस्कस. ओके, और क्विक क्वेश्चंस, जैसा कि हम डेमो क्लासेस में आपके लिए वेरी क्विक क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो इस टाइप से आप एक दूसरे से जब एक दूसरे से जब आप जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके अदर बैचमेट्स है वो आपका आपसे जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो आपका वहाँ पे क्या है कि एक कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, तो हम इस टाइप से क्विक एक रिविजन करेंगे इस टाइम पे. ओके, सो द प्रैक्टिस यू कैन गेट बिकॉज ऑनलाइन रहेगा ये एग्ज़ाम आपका, सो आपको यू नीड प्रैक्टिस, फटाफट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना रहेगा इसमें, ताकि जल्दी से आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर सकें. ओके, एंड करेक्ट आंसर आप चूज कर सकें, सो देट विल हेल्प इन एग्जाम डायरेक्टली. और आपको मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई हैव ऑब्जर्व इन सम टाइम इन JRF एज वेल एज इन SRF इवन नेट एग्जाम. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम एज इट इज, वो क्वेश्चन एज वेल एज ऑप्शन भी आपसे चेंज नहीं करेगा, सेम क्वेश्चन विल अपियर इन द एग्जाम. सो इफ यू विल डू द प्रैक्टिस इन वेरी गुड वे, सो यू कैन बी अज्योर दैट यू 100% आंसर यू कैन गिव. ओके, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ओके, यू नीड नॉट टू थिंक इन ट्वाइस इवन. ओके, तो इसके लिए आपको हम प्रिपेयर करवाएंगे कि आप जल्दी से उस आंसर को कैसे, यानी आपका टाइम सेविंग हम अच्छे से करवाएंगे. मॉडल पेपर और जो मॉक टेस्ट रहेंगे आपके, वो आपसे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी जो सेविंग टाइम, आप इवन वन आपका जो पेपर रहेगा, ओके, उस एग्जाम टाइम में आप इवन क्वेश्चन पेपर को 3-4 even 5 times आप रीड कर सकेंगे. इस टाइप की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन दिनों में. ओके, तो ये हमारा एक टारगेट है. ओके, तो ये अभी हम इसमें करने वाले हैं. ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमसे कुछ पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि हम BSc सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, और आइदर हम MSc फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम क्या इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे. ओके, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं BSc एग्रीकल्चर, एंड दे आर आल्सो वांट टू राइट दैट एग्ज़ाम, शायद आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म भरा होगा. ओके, और अगर किसी ने नहीं भरा है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको एज इट इज़ JRF वाली आपको प्रिपरेशन यहाँ पे मिलेगी. सो व्हाट विल हैपन, यू विल बी अवेयर, आप अच्छे से इसके लिए अवेयर हो जाएंगे. ओके, एंड गेट प्रैक्टिस्ड, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इवन इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इट्सेल्फ. ओके, एंड कंप्लीट स्ट्रेटजी आप इसको पता चल जाएगी आपको, कि आप JRF कैसे करेंगे, क्या आपको पढ़ना है, किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, किस टाइप से आपका इंटरेक्शन रहेगा. तो ये कंप्लीट चीज़ें आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इट्सेल्फ में आपको समझ में आ जाएगी. तो इससे क्या होगा कि जब आप फाइनल ईयर में JRF का एग्जाम लिखेंगे, तो आई थिंक यू विल बी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, सो इसके लिए आपका यहाँ पे फायदा है. ओके, एंड फर्स्ट ईयर जो MSc फर्स्ट ईयर में है एंटोमोलॉजी के, ओके, उनका भी फायदा सेम रहेगा फॉर ICR SRF एग्जाम के लिए. ओके, और इवन ICR नेट एग्जाम के लिए. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, सम ऑफ द पास आउट कैंडिडेट अवर सम ऑफ द सीनियर्स एज वेल एज जूनियर जो पास आउट हो चुके हैं, जो PhD नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि हमारा नेट का भी यहाँ पे कुछ कंटेंट हमको मिलेगा क्या. ओके, सो फॉर दोज कैंडिडेट दे डोंट हैव नेट ICR नेट एग्जाम. ओके, सो उनके लिए हमने अलग से एक, आज एप्लीकेशन में आपको अलग से कोर्स मिलेगा ASRB नेट एंटोमोलॉजी का, और उसकी प्राइस भी हमने सेम रखी है. ओके, तो उनके लिए हम एक स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे इस क्लास का. ओके, तो वहाँ पे जैसा कि एग्ज़ाम इसमें लेट होगा अभी, क्योंकि रिसेंटली ICR नेट का एग्ज़ाम हुआ, तो वो एग्ज़ाम बाद में हुआ, बट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विथ दिस मिशन, सो दैट यू वुड बी क्विक, आपका एक क्विक रिविज़न हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम को टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए अच्छे से डेली क्लास लेके आएंगे. ओके, एंड लिमिटेशन. ओके,
कुछ कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा है कि क्या हम एक ले लें, एक जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड करेगा तो दूसरा उसको शेयर कर सकेगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में कुछ लिमिटेशन है। सो ऑल द स्ट्रेटजी रिगार्डिंग अवर मिशन जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताई हैं, इसके रिगार्डिंग आपको कम्प्लीटली ऑनलाइन टीचिंग मिलेगी जो कि हल्दर क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन में रहेगी, ठीक है। एंड इट कैन बी असेस्ड टू ओनली द रजिस्टर्ड एस्पायरेंट्स, ओके। जो इसको रजिस्टर्ड करेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और बाय करेगा, उसको ही ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर मिलेगी। और वन मोर थिंग, ये सारी जो फैसिलिटी रहेगी, सब हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, हमारे जो वीडियो के जो लेक्चर्स रहेंगे, लाइव सेशन रहेगा एवरीडे का, वो इस एप्लीकेशन में आपका जो रिस्पेक्टिव कोर्स है वहाँ पे सेव होगा एवरीडे, उसको हम एवरीडे वहाँ पे अपलोड करेंगे, ओके, इन रिस्पेक्टिव कोर्सेज। एंड दिस कैन नॉट बी डाउनलोडेड, ये आपसे डाउनलोड नहीं कर सकेंगे आप इसको, ओके। एंड ऑल्सो शेयर्ड, यू कैन नॉट शेयर दैट, ओके, with unsubscribed or unregistered your participant or even hacked, you even cannot even think about that you can hack this, okay, so be careful for that, okay. And so this was our mission, okay, and this yesterday also I have explained about that, okay, iske bare mein maine aapko kal bhi bataya tha. So ICR JRF SRF pre PG pre PhD and ICR NET, ye sara aapko iske regarding content hum अलग अलग प्रोवाइड कराएंगे, जिस टाइप का आपका एग्ज़ाम सिलेबस है, जिस टाइप का आपका एग्ज़ाम का लेवल है, उस टाइप से हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल अच्छे से हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, ओके। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ आई एम सीइंग द कमेंट, ओके, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपके कमेंट पढ़ नहीं पाया मैं अच्छे से, सो टूडे आई विल सी योर कमेंट नाउ, ओके। सो डॉक्टर राजा विजय कुमार इज सेइंग गुड जॉब, ओके, थैंक यू वेरी मच। Priyanshu, good evening, okay, Priyanshu. Sonu Ahir, good evening. Gopi Anjana, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, आपको भी बिल्कुल, आपने ज्वाइन किया, थैंक्स फॉर दैट। एंड हम आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कराना है फॉर योर JRF एज वेल एज SRF, और आई होप दैट आप बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर होने के लिए रेडी हैं, और आपको वो जो हमारा मिशन है, हमारा हम मिशन आपके लिए लेके आए हैं, और आपको हमारे लिए इस मिशन में ज्वाइन होना है, ताकि हम दोनों मिलके इस मिशन को कामयाब बना सकें और आप अच्छे से इसका स्टडी कर सकेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज सेशन, ओके। सो अभी हम एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम इसका कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेने वाले हैं, ओके। सो 1, 2 and 3 जस्ट स्टार्ट, ओके। सो आई एम रीडिंग हियर वंस इन इंग्लिश एंड आई विल एक्सप्लेन दैट द सेम थिंग इन हिंदी ऑल्सो, सो दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी, ओके। सो इन अडल्ट इंसेक्ट जुवेनाइल हार्मोन एक्ट एज व्हाट, ओके। सो आपको यहाँ पे आंसर देना है, ओके, मोल्टिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और एक्सेसरी हार्मोन। तो जल्दी से आप अच्छे से इसको समझिए कि जो जुवेनाइल हार्मोन्स होता है इंसेक्ट में, उसका क्या यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ओके। सो सबसे पहला ऑप्शन कोमल प्रिया, बी वेरी गुड, प्रदीप राजा, बी रेड्डी लक्ष्मी, बी ओके, चिरासिना नागा, बी सरोज जाट, बी। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। और वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो जुवेनाइल हार्मोन्स होता है इन अडल्ट इट इज अब्सेंट, ओके, ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पे अडल्ट में ये अब्सेंट रहेगा, बट इट एक्ट एज ए गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो गोनाड रहेगा उसमें ये हेल्प करेगा, ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और इसका कंसेंट्रेशन जो होता है जुवेनाइल हार्मोन का, जब लार्वा होता है उसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है, ओके, और जब ये लार्वा से जो प्यूपा बनेगा, मिड वेन लार्वा विल इंटर इंटू द प्यूपा, सो द कंसेंट्रेशन विल डिक्रीज, सो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी हम वन क्वेश्चन से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ओके। सो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर वॉल ऑफ द एग
इज नोन एज, जो आउटर वॉल होती है इंसेक्ट के एग की उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हमसे पूछा गया है, विटेलिन मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्म, कोरियन और ब्लास्टोडर्म। तो देखते हैं अब किसका जल्दी आंसर आता है। ओके, सो चिरासानी नागा ने सबसे पहले आंसर दिया, रेडी लक्ष्मी उससे पहले दे चुके हैं सी आंसर। ओके, समरीन कोरियन या प्रिया कोरियन, किरण सी, विजय कुमार राजा इज गिविंग सी आंसर, प्रदीप राजा अगेन ओके सी, ओके अनिरुद्ध सेन कोरियन। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है इन्होंने कोरियन आंसर लगाए हैं, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, सो जो एग होता है इस टाइप से, उसकी जो लेयर होती हैं उसमें एक कोरियन नाम का एक इस टाइप से क्या होती है, एक लेयर होती हैं, सो दैट विल बी प्रोटेक्टेड बाय, सो अंदर जो इंसेक्ट रहेगा, ओके सो अंदर जो लार्वा रहेगा वो उससे प्रोटेक्ट रहेगा, एंड लार्वा क्या करेगा इसको हेच करके बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरियन लेयर। ओके, सो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है ये जीआरएफ एग्जाम में। नेक्स्ट, दिस इज मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। कॉटनी कशन स्केल इज एन इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ कॉटन, एप्पल, सिट्रस, सुगर केन। ओके, बताइए आप। ओके, सो एप्पल इज गिवन फर्स्ट, समरीन ने सिट्रस दिया है, अनिरुद्ध सेन सिट्रस, कोमल प्रिया एप्पल, जर्नी ऑफ लाइफ इज गिविंग बी आंसर एप्पल। ओके, जर्नी ऑफ लाइफ जो है एरोप्लेन बना रहे हैं यहाँ पे, ये जर्नी करना चाहते हैं। ओके गुड, चिरासनी नागा सी आंसर। ओके, सो सम ऑफ गिविंग सी एंड सम ऑफ गिविंग बी। ओके, सो द बोथ आंसर, बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट, बट अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा तो यू हैव टू सेलेक्ट एप्पल और आइदर सिट्रस। ओके, सो एप्पल और सिट्रस दोनों इसका माना जाएगा, दोनों आंसर सही है आपका। ठीक है, बट जो कॉटनी जो होता है, कॉटन इसका कुछ लोग रिलेट करते हैं कि ये कॉटन में आता होगा, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग है ये, इस टाइप से आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। सो इन एप्पल एज वेल एज इन सिट्रस बोथ इसका आपसे ये पेस्ट है और दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट स्टेज ऑफ विच पेस्ट कॉज डैमेज। ओके, सो यहाँ पे अडल्ट स्टेज है। ओके, किस इंसेक्ट की अडल्ट स्टेज इज डैमेजिंग। ओके, टोबैको कैटरपिलर, टोमेटो फ्रूट बोरर, फ्रूट सकिंग मॉथ और पिंक बॉल वर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका सेलेक्ट करना है आंसर कि जो अडल्ट स्टेज है इंसेक्ट में वो किस प्रकार से डैमेज करती हैं। सबसे पहले आंसर दिया है रेड्डी लक्ष्मी सी, दिल्लू राम नागर सी, अक्षंत जैन सी, रेड्डी लक्ष्मी सी। ओके, सो मोस्ट आपका जो आंसर आया है फ्रूट सकिंग मौत, इसको हम FSM भी बोला जाता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे शॉर्ट फॉर्म भी दिया रहेगा FSM, फ्रूट सकिंग मौत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है। ओके, और जो ये जो सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, ओके सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वहाँ पे ये डैमेज करेंगे। ओके, सिट्रस वर्गीय फलों में। ओके, और ये क्या करेंगे, जो सिट्रस जो होता है वहाँ पे इस टाइप से होल करते हैं, एंड यू नो दैट द फ्रूट सकिंग मौत, सो मौत इज, व्हाट इज दैट मौत, सो मौत इज बिलोंग टू द लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। ये क्या है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का ये इंसेक्ट है, तो इसका जो माउथ पार्ट होगा, माउथ पार्ट्स, ओके सो जो माउथ पार्ट जो इसका होगा वो होगा यहाँ पे साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स यहाँ पे रहेगा, मतलब इनका जो इस टाइप से जो कोयल होती है प्रोबोसिस हम उसको बोलते हैं, तो ये क्या करेगा इस टाइप से यहाँ पे एक पियर्स करेगा, बिकॉज इसकी जो प्रोबोसिस होती है, जो दूसरे लेपिडोप्टेरा के मौत और बटरफ्लाई होते हैं उनकी प्रोबोसिस बहुत वीक होती हैं, वो फ्रूट को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, बट ये जो रहेगा सिट्रस फ्रूट सकिंग मौत, इसका जो प्रोबोसिस या फिर जो साइफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होता है वो क्या होगा, बहुत वेल डेवलप होता है, तो ये उस फ्रूट को पिंसर करेगा और इस टाइप से होल वहाँ पे बनाएगा। वन मोर, एक वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे अभी रिसेंटली पूछा गया था कि
इसका जब ये अटैक होता है तो ये किस टाइम पे अटैक करता है, तो नाइट, नॉक्टर्नल, ओके। या जो इसका जो फ्रूट सकिंग मॉथ है, इसकी जो फैमिली होती है नॉक्टिडी, ओके। इसकी जो फैमिली होती है वो नॉक्टिडी होती है, यानी नाइट में ये क्या करता है, अटैक करता है। और इसका जो लार्वा होता है, इस टाइप से लार्वा इसका सेमी लूपर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो लार्वा होता है वो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी यूनिक टाइप से पूछे जाते हैं, बिकॉज जो अलग होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे अडल्ट स्टेज इज कॉजिंग द डैमेज, तो लार्वा क्या करेगा, आपको पता होना चाहिए कि लार्वा क्या करेगा फिर। तो लार्वा इसका प्लांट को नहीं खाता है, सिट्रस जो प्लांट होते हैं उसको नहीं खाता है। लार्वा इसका डेवलप होता है जो सिट्रस के जो जो ऑर्चर्ड होता है वहाँ पे जो वीड होस्ट होते हैं उनके ऊपर ये डेवलप होता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। और इसका जो लार्वा है, लार्वा इज नॉट डैमेजिंग स्टेज फॉर आवर फ्रूट क्रॉप, ये डैमेज करेगा बट वीड होस्ट को करेगा ये। तो वहाँ से इन सम टाइम मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस रहेगी आपको, जो सिट्रस के जो ऑर्चर्ड होते हैं वहाँ से आपको वीड्स को रिमूव करना है जहाँ पे लार्वा फीड करेगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, इस इंसेक्ट जो होता है फ्रूट सकिंग मॉथ, इसके मैनेजमेंट के लिए हम स्मोक, यानी धुआं, जो स्मोक का भी हम इसमें यूज करते हैं, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मोक, ओके, धुआं, यानी हम ऑर्चर्ड में क्या करेंगे, शाम के टाइम, कब करेंगे, शाम के टाइम करेंगे, इवनिंग टाइम पे करेंगे, क्योंकि दिन में करने का तो कोई मतलब है ही नहीं, कब आएगा ये, नाइट टाइम आएगा। तो यानी आपको क्या करना है, नाइट टाइम के टाइम पे आपको स्मोक जनरेट करना है, धुआं करना है, तो उसकी वजह से ये क्या होगा कि वहाँ पे कम आएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई होप दैट ऑल क्वेश्चन यू अंडरस्टूड, और इस टाइप से आपको अच्छे से कवर करके चलना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो द ग्रब्स ऑफ द रिनोसिरस बीटल, ओके, ये भी आपको अच्छे से याद करना है, ग्रब्स, ग्रब्स ऑफ द रिनोसिरस बीटल फीड ऑन, जो रिनोसिरस बीटल जो होता है वो कहाँ फीड करता है। फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए ये किसका पेस्ट होता है, तो देखिए यहाँ पे किसका आंसर आता है, कोमल प्रिया ने बोला है मेनिस्पर्मेसिया वीड्स, या ऑफकोर्स मेनिस्पर्मेसिया जो वीड्स होते हैं उसको ये सिट्रस फ्रूट सकिंग मौत का जो लार्वा होता है फीड करता है, वहीं पे इसका प्यूपेशन होता है, और उसके बाद में वो क्या करेगा, जो अडल्ट होगा वो सिट्रस के बागों में आ जाता है, ठीक है। सो सी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का इन्होंने आंसर दिया है चिरासिन रेड्डी, कोमल प्रिया, प्रियांशु पवार, ओके। सो मोस्ट ऑफ आई थिंक यू अवेयर, यार यू आर रियली रीडिंग वेल, ओके, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया है, बिकॉज जो ग्रब होता है, देखिए ये यूनिक है, ठीक इसका अपोजिट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अडल्ट इज डैमेजिंग एंड जो लार्वा होता है वो डैमेज नहीं करता है, और यहाँ पे ग्रब डैमेज कर रहा है, यानी जो इमेच्योर स्टेज यहाँ पे डैमेज कर रही है, और अडल्ट इसका जो अडल्ट होता है, ओके ओके, तो अडल्ट यहाँ पे डैमेज नहीं करता है, ठीक है, वो जो होता है, सॉरी ये भी वैसा है, आई एम कंफ्यूज हियर, ओके। सो जो अडल्ट होता है वो यहाँ पे डैमेजिंग स्टेज, ओके। सो डैमेजिंग स्टेज जो है यहाँ पे भी रिनोसिरस बीटल की, कोकोनट का पेस्ट, ये मेजर पेस्ट ऑफ कोकोनट, ओके, मेजर पेस्ट ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट की जो फ्रोंट्स होती हैं उसमें वी शेप का ये क्या करता है, डैमेज करता है इसका बीटल इस टाइप से, ओके। आपको जो फ्रोंट मिलेगी उस टाइप से उसमें वी शेप का इसका एक कटिंग्स होती हैं, तो ये यहाँ पे अडल्ट डैमेज करता है, और इसका जो ग्रब होता है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पे ये खाता है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जब अडल्ट जो बीटल होते हैं वो इग लेइंग करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, तो आपको जो आपके जो ऑर्चर्ड हैं उसके आसपास आपको डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रखना है, अदरवाइज वहां पे ये डेवलप होगा, ओके। सो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइलस और साइलस फॉर्मिकेरियस इज अ पेस्ट ऑफ, ओके, ये किसका पेस्ट है, तो यहां पे आपको बताना है चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, स्वीट पोटेटो, आंसर, व्हाट इज आंसर इज कमिंग, जो आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि ये जो पेस्ट है इसका साइंटिफिक नेम दिया है, ये जो साइंटिफिक नेम है, ओके, तो ये जो साइंटिफिक नेम, ये किस इंसेक्ट का है, ये कौन सा कॉमन इंसेक्ट, वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आंसर दिया है चिरासनी डी, कोमल प्रिया डी,
Aniruddha Sen, Sweet Potato, Pradeep Raja D, okay, Samrin, Sweet Potato. So, आप सब ने ये आंसर दिया है स्वीट पोटैटो. सो इट इज़ द करेक्ट आंसर. इसका ये साइंटिफिक नेम है और इसका मैंने कल आपको एक हमारे जो कल का लेक्चर था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसका जो अडल्ट होता है इस टाइप से आंट लाइक विविल. ओके, आंट लाइक विविल. ये एक चींटी, जो चींटी होती है, ओके, चींटी जैसा ये दिखाई देता है, इसका विविल. ओके, और इसका जो विविल होता है उसकी फैमिली हमने लिखी थी यहाँ पे कल, एपिनियोडी. ओके, इसकी जो हमने फैमिली लिखी थी एपिनियोडी लिखी थी, बट ये जो है अभी रिसेंटली इसकी फैमिली एपियोनिनी, ये सब फैमिली हो चुकी है. और जो न्यू अपडेटेड फैमिली इज ब्रैंटिडी. ओके, सो अपडेटेड फैमिली इज ब्रैंटिडी एंड वन ऑफ माय वेरी क्लोज एंड बिलव्ड जूनियर राकेश, ही हैज़ प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम US रायचूर. ओके, सो ही हैज़ सीन दैट वीडियो आफ्टरवर्ड्स एंड ही हैज़ प्रोवाइड दैट दिस इज द ब्रैंटिडी फैमिली. सो आई वुड लाइक टू थैंक्स राकेश काइंडली प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू द ऑल एस्पायरेंट सो दैट ईच एंड एवरी वन कैन गेट बेनिफिटेड. और आपके एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग भी नहीं होंगे उससे, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. ओके, सो एंड आई विल इवन एक्सटेंड माई वेलकम टू दोज कैंडिडेट हुएवर वांट टू प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस करंट अपडेटेड थिंग्स सो दैट विच आर कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो आप सबका स्वागत है. आप भी इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे द्वारा आपको दी जा रही है, अगर वो अपडेट नहीं है या आपको कुछ अलग पता है कि जो एंटोमोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं, तो आपका वेलकम है. आप यहाँ पे हमको प्रोवाइड कराएंगे तो हम आपको जो एस्पायरेंट्स जो जितने भी हैं उनको हम डिलीवर कर पाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई सीनियर्स एज वेल एज जूनियर्स फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव सम ऑफ द दिस लाइक दैट इन्फॉर्मेशन सो यू कैन प्रोवाइड दोज इन्फॉर्मेशन टू द JRF SRF एस्पायरेंट्स. ओके, सो थैंक्स फॉर दैट. नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ेंगे. यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पढ़ना है, ग्रासी स्टंट वायरस एंड रेग्ड वायरस. ओके, टू डिजीज होती हैं ये राइज यानी पेडी में टू डिजीज होती हैं ये ग्रासी स्टंट वायरस एंड रेग्ड वायरस. ओके, डिजीज ऑफ पेडी इज ट्रांसमिटेड बाय, सो ये किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, ARS नेट की एग्जाम में ये पूछा गया है. सो सबसे पहले आंसर दिया है उजाला गौर डी आंसर. अच्छा, ये पहले का है. रेडी लक्ष्मी ए आंसर. ओके, चिरासानी ए आंसर, महिमा ए, अनिरुद्ध ए. सो मोस्ट ऑफ द गिविंग द आंसर इज नीला पर्वता लुजेंस. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, नीला पर्वता लुजेंस. और इसको हम बोलते हैं BPH. ओके, ब्राउन प्लांट होपर. ओके, और इसकी फैमिली भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, डेल्फे सीडी इसकी फैमिली होती है, जो कि कल हमने डिस्कस किया था. उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर क्या है कि उसका जो मूवेबल स्पर होता है उसमें हाइंड टिबिया के ऊपर. तो इस टाइप का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये टू डिजीज को ट्रांसमिट करता है, ग्रासी स्टंट वायरस एंड रेग्ड वायरस. सो जो रेग्ड वायरस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम नाउ 2021. ओके, तो आपको याद रखना है, इस टाइप से कभी एग्जाम में रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको अच्छे से इसको रिमेम्बर रखना है. ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. ओके, सो यू रीड दिस क्वेश्चन, इन विच सीजन लेक क्रॉप प्रोड्यूस मोर. कौन सी ऐसी सीजन है जिसमें लाख जो होता है, लाख के इंसेक्ट के द्वारा जो कि ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है, ज़्यादा हाईएस्ट यानी प्रोडक्शन यहाँ पे पूछा गया है आपसे. सो यू जस्ट गिव दैट आंसर, अगहनी, बैसाखी, जेठवी और केतकी.
जारी मेरी अच्छे से ओके महिमा तो भी आंसर इज गिवन बी समरीन बैसाखी जर्नी ऑफ लाइफ बी अनिरुद्ध बी जाट सरोज बी निखा भारद्वाज बी राजकुमार सालवी बी राजकुमारी सालवी बी आंसर बीरेंद्र सिंह बी आंसर इन्होंने दिया है सो मोस्ट आपका जो बी आंसर है ये करेक्ट आंसर है क्योंकि जो ज़्यादातर जो लेक प्रोड्यूस की जाती हैं वो बेसा के क्रॉप से प्रोड्यूस की जाती हैं तो ये आपको ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में एवरी ईयर पूछे जाते हैं और इसका कुछ डाउट होता है हमको कन्फ्यूजन होता है हाउ दैट द ट्रिक वी कैन बी रिमेंबर सो इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से एक स्लाइड बनाई है सो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि देखिए जो लेक की जो क्रॉप होता है लेक इंसेक्ट की क्रॉप को हम वन इज द कुसुमी एंड द अनदर वन इज द रंगीनी ओके वन जो होती है कुसुमी होती है वन जो होती है रंगीनी यहाँ पे क्रॉप होती है दो क्रॉप होती है यानी टू क्रॉप ओके टू क्रॉप होती है मतलब लाख जो इंसेक्ट है वो कैसा है बाइवोल्टाइन है बाइवोल्टाइन ओके जो लेक इंसेक्ट होता है वो बाइवोल्टाइन होता है ठीक है अब यहाँ पे देखिए जो कुसुमी लाख जो होती है उसकी दो फसल होती है यहाँ पे जिसको हम अगहनी और जेठवी बोलते हैं ठीक है इसी टाइप से जो रंगीनी है इसका केतकी और बैसाखी इसका भी दो क्रॉप होता है केतकी एंड बैसाखी ओके तो दिस इज़ वेरी मच मच इम्पोर्टेंट और अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको इसको रिमेंबर कैसे रखना है क्योंकि कभी कभी कुसुमी का पूछ लिया जाता है विच इज़ द बैसाखी क्रॉप कम्स अंडर विच लेक सो रंगीनी केतकी रंगीनी के अंदर आती है कुसुमी जेठवी के अंदर आती हैं इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आपको क्या करना है एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है अगर एक क्रॉप का आप याद रख लोगे तो दूसरी क्रॉप का आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी वो इजीली आप याद कर सकेंगे ठीक है तो रंगीनी के लिए हम यहाँ पे ट्रिक याद करेंगे ठीक है तो रंगीनी जो होती है आप इसको सिक्वेंस में याद रखना है सिक्वेंस आपको भूलना नहीं है ठीक है तो हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ और इंग्लिश वाले भी इसको अच्छे से इस टाइप से जोड़ लेंगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी क ब ठीक है कब होगी रंगीन शाम ठीक है कब होगी रंगीन शाम यानी क से यहाँ पे केतकी आएगा ओके ब से आएगा यहाँ पे बैसाखी और रंगीन जो शाम होगी वो कब होगी तो आई थिंक फॉर यू ऑल ऑफ यू द रंगीन इवनिंग या रंगीन शाम जो होगी वो आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा और जब आपका रिजल्ट आएगा और वहाँ पे जब आपकी रैंक आएगी अच्छे से जब आपको JRF या SRF की फेलोशिप मिलने वाली होगी तब आपकी आई थिंक रंगीन शाम होगी तो आप इस टाइप से यहाँ पे जोड़ सकते हैं कब होगी रंगीन शाम यानी जो रंगीनी क्रॉप की कौन सी दो क्रॉप हैं केतकी एंड बैसाखी सो द रिमेनिंग विल बी फॉर कुसुमी यानी अगहनी एंड जेठवी ओके दिस इज वेरी मच मच इम्पोर्टेंट उसके बाद जो लाख क्रॉप होती हैं ठीक है ये भी आपसे यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो लाख लेक क्रॉप हैं जो कुसुमी जो हमारी जो फर्स्ट क्रॉप हैं ओके एंड जो रंगीनी जो आपकी सेकंड क्रॉप है इसका भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अगहनी जो इसका क्रॉप है अगहनी का जो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है और जेठवी का भी होता है 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है ये दोनों जो होती है बाइवोल्टाइन आई ऑलरेडी टोल्ड यू द लेक क्रॉप जो होती हैं बाइवोल्टाइन ठीक है जो लाक इंसेक्ट है हमारा वो बाइवोल्टाइन है एक साल में उसकी दो फसल आएगी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अब देखिए 6 मंथ की जो कुसुमी होती है वो 6 मंथ की होती है अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओके यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है आपको बस मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा का वैसा याद रखना है उसके अलावा यू नीड नॉट टू बी मगअप आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है जो मैं बताऊँगा वो आप एक चीज़ याद रखेंगे सारी का सारा आपको याद हो जाएगा सो यू बी रेडी फॉर देट ओके सो इनोकुलेशन आपको याद रखना है सबसे पहले यहां पे ए जे अगहनी और जेठवी ए जे ठीक है अगहनी जेठवी जो कि कुसुमी क्रॉप की क्या है ये कुसुम के अंदर ये आती है ठीक है अब ए देखिए जो ए होता है वो होता है फर्स्ट लेटर ठीक है ए होता है वो फर्स्ट लेटर होता है अल्फाबेट का ठीक है फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट ठीक है तो जो और हमारा जो सबसे पहला जो मंथ होता है साल का वो होता है जनवरी जो हमारा साल का पहला मंथ होता है द फर्स्ट मंथ ऑफ द एनी ईयर ओके सो
इट इज द जनवरी. सो जनवरी में ये आएगी, यानी आपको बस ये जनवरी याद रखना है, जनवरी या फरवरी. जनवरी फरवरी में आप इस अगहनी क्रॉप को लगाएंगे, ठीक है. अब देखिए 6 मंथ की ये क्रॉप होगी, तो अब हार्वेस्ट कब करेंगे आप इसको? हार्वेस्ट आप इसको 6 मंथ बाद करेंगे, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है. तो ये आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. उसके बाद देखिए, अब जब आप हार्वेस्ट करेंगे एक क्रॉप को, तो यानी आपको दूसरी क्रॉप लगाना है, तो दूसरी क्रॉप कब लगाओगे आप? 6 मंथ आफ्टर. सो जेठवी, जो जेठवी होगी हमारी सेकेंड क्रॉप रहेगी, यानी इनोकुलेशन उसका रहेगा जून जुलाई. जो हम लाख का इंसेक्ट होता है, वो हेमिप्टेरा का एक सकिंग इंसेक्ट होता है, जो हम उसको रिलीज़ करेंगे इन क्रॉप के ऊपर, वो फिर उस क्रॉप को फीड करेगा, फिर लेक का सिक्रेशन करता है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो जो वो जून जुलाई में लगाएंगे, अब जब जून जुलाई में आपने लगा दी, तो वो कब आएगी? 6 मंथ के बाद में आएगी वो, ठीक है. तो यानी वो आएगी जनवरी फरवरी, यानी हार्वेस्ट टाइम उसका होगा जनवरी फरवरी, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस कुसुमिस ए, यानी ए जो होगा फर्स्ट लेटर, ओके, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट मंथ, ठीक है, जनवरी फरवरी. अब देखिए, अब हम आते हैं यहाँ पे केतकी, यानी हमारी जो ट्रिक थी कब, कब होगी रंगीन शाम, ठीक है. इस टाइप से हमने जो ट्रिक याद करी थी, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो केतकी और जो बैसाखी है, ये क्रॉप, ये आप किस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं. तो आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे वेराइंग है, ठीक है. यहाँ पे जो होती है, जो 4 मंथ की यहाँ पे क्रॉप होती है केतकी, और जो बैसाखी होती है वो 8 मंथ की होती है, यानी जो बैसाखी क्रॉप है हमारी वो थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है. तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे 6 मंथ का क्वेश्चन जो क्रॉप होता है, तो हमारे माइंड में रहेगा कि यार वो तो 6 मंथ का था, ओके. एंड ये भी बाई वोल्टाइन है, बिकॉज यहाँ पे भी जब 4+8=12 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 6+6=12 हो जाएंगे, यानी एक साल में दोनों से हमको 2 क्रॉप ही मिलेगी, मीन्स बाय वोल्टाइन. अब देखिए, जो केतकी है, इसका बस आपको यहाँ पे इसका भी आपको याद नहीं रखना है. देखिए, हमने सबसे पहले हम कुसुमी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कुसुमी लेक पढ़ेंगे, उसमें अगहनी हमने याद कर लिया, फर्स्ट लेटर, जनवरी फरवरी, जून जुलाई में हम क्या करेंगे उसको हार्वेस्ट कर लेंगे. हार्वेस्ट करने के बाद जून जुलाई में जेठवी लगाएंगे, उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे जनवरी फरवरी में, ठीक है, इस टाइप से. तो अब हम जो इसका जो इनोकुलेशन करते हैं जेठवी क्रॉप का, ठीक है, तो इस यही आप यहाँ से कोरिलेट कर देना कि यही जो इनोकुलेशन होता है, ये भी केतकी क्रॉप का होता है, ठीक है. जो केतकी क्रॉप है जून जुलाई में हम लगाते हैं, ठीक है. अब जून जुलाई में आपने लगाया, तो इसमें 4 मंथ आप ऐड करेंगे, ठीक है. तो अक्टूबर नवंबर में आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे. अब जैसे अक्टूबर नवंबर में इसको हार्वेस्ट किया, तो बैसाखी क्रॉप को आप क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर में लगा देंगे, यानी इनोकुलेशन एंड हार्वेस्ट आफ्टर 8 मंथ. यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, आफ्टर 8 मंथ यू हैव टू हार्वेस्ट दैट, ओके. सो इसका वो टाइम पीरियड कैलकुलेटेड हो जाएगा. और इजीली अगर आपने एक यहाँ पे इस टाइप से मैंने समझाया, इसको आपने याद कर लिया, तो यू विल नेवर फॉरगेट, ओके. सो यू विल बी रिमेंबर फॉर इवन योर लाइफ टाइम, ओके. सो इस टाइप से आप हमको याद करना है, ताकि एग्जाम में हम बिल्कुल इजीली, वो एग्जाम में पूछा जाता है केतकी क्रॉप व्हेन हार्वेस्टेड, केतकी क्रॉप व्हेन इनोकुलेटेड, बैसाखी क्रॉप व्हेन हार्वेस्टेड, व्हेन इनोकुलेटेड, अगहनी व्हेन हार्वेस्ट व्हेन इनोकुलेटेड, जेठवी व्हेन हार्वेस्ट व्हेन इनोकुलेटेड, विच इज द मंथ ऑफ अगहनी 6 मंथ क्रॉप, केतकी 4 मंथ क्रॉप, ओके, बैसाखी 8 मंथ क्रॉप, इस टाइप से. अब देखिए, एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ. जो क्रॉप ज़्यादा मंथ की रहती है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि विच लेक प्रोड्यूस मोर, सो बैसाखी क्रॉप, बिकॉज दिस इज द हाइएस्ट, बिकॉज यहाँ पे ये 8 मंथ की क्रॉप होती है, तो आपको 8 मंथ तक वहाँ से लेक का प्रोडक्शन मिलेगा. तो ये ज़्यादा वहाँ पे क्या करेगी, प्रोडक्शन करती है, ठीक है. और प्रोडक्शन जब ये ज़्यादा करेगी, तो ये किसके अंदर आएगी, रंगीनी क्रॉप के अंदर ये आती है, यानी रंगीनी क्रॉप का जो होगा वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. बट देखिए, आपको पता है कि जब किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, यानी क्वांटिटी इज मोर फॉर रंगीनी क्रॉप, सो दैट द क्वालिटी उसकी कम होगी. सो द क्वालिटेटिव लेक प्रोड्यूस फ्रॉम कुसुमी स्ट्रेन, ठीक है. जो कुसुमी जो क्रॉप रहेगी, वहाँ से आपको क्वालिटी वाली लेक मिलेगी, और जो क्वांटिटी यानी ज़्यादा जो लेक मिलेगी, वो आपको मिलेगी रंगीनी क्रॉप से. सो आई थिंक ऑल ऑफ योर डाउट्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट हियर आई थिंक वुड बी क्लियर, ओके. सो इस टाइप से आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है. अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये आपको देना है इसका आंसर. प्रोपोडियम इज
एनी कमेंट इज कमिंग एक्टिव इन नाइट्स. मैं कमेंट देख लेता हूँ. हमारा जो प्रीवियस जो डिस्कशन हुआ है इसमें कुछ कमेंट आ रहा है क्या किसी का? अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए. इस स्लाइड के अंदर आपको कहीं भी दिक्कत हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ कमेंट करिए. आशीष राउत इज गिविंग बी आंसर. आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन दे रहे हैं ये. और या बिकॉज यहाँ पे अभी ओके. सो द प्रोपोडियम इज फाउंड इन द इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द सब ऑर्डर. सब ऑर्डर किस सब ऑर्डर के अंदर प्रोपोडियम प्रेजेंट होता है ये ऐसा पूछा गया है. सिम्फाइटा, एपोक्रिटा, एडिफेगा एंड पोलिफेगा. सो द आशीष राउत फर्स्ट गिवन द आंसर एपोक्रिटा, देन विजय कुमार बी, ओके आशीष एपोक्रिटा, नेत्रा एच गिवन बी आंसर. ओके सो मोस्ट ऑफ गिवन एपोक्रिटा. सो एपोक्रिटा जो होता है हाइमनप्टेरन इंसेक्ट होते हैं. ओके सो इस टाइप से उनका क्या होता है, इस टाइप से जो होता है एक एब्डोमेन उनका होता है. ठीक है सो ये जो रीजन होता है हम इस रीजन को बोलते हैं प्रोपोडियम. ओके सो इस जो रीजन होता है वो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इसको हम बोला जाता है प्रोपोडियम. और इस टाइप से इनका जो होता है ये विंग बीरिंग यानी एक्यूल ये जो होते हैं ये एपोक्रिटा सारे जितने भी होंगे उसमें सॉरी ये ओविपोजिटर यहाँ पे बहुत शार्प वो रहेगा एंड फॉर ओवी पोजिशन के लिए वो काम में आता है. और जो सिम्पाइटा रहेगा सिम्पाइटा में मस्टर्ड साफ लाई इसमें आती है. ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है सिम्पाइटा का जो सब ऑर्डर है उसमें मस्टर्ड साफ लाई आती है जिसका कि जो एब्डोमेन होता है वो इस टाइप से नहीं होता है. इसलिए जो प्रोपोडियम है वो ओनली प्रेजेंट इन एपोक्रिटा. ठीक है एपोक्रिटा में ही ये प्रेजेंट होता है. और ये जो दोनों ऑर्डर हैं दिस इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट जो दोनों ऑर्डर हैं हमारे ये हैं हाइमनोप्टेरा के. ओके दिस दोनों ऑर्डर हैं हाइमनोप्टेरा. ओके और जो ये जो दोनों ऑर्डर ये बचे हैं नीचे वाले ऑप्शन के भी ये भी मैं आपको बता देता हूँ. ये कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि एडिफेगा एंड पोलीफेगा इज द सब ऑर्डर ऑफ कोलियोप्टेरा. ओके सो दिस इज आल्सो मच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट एरीलाक. एरीलाक इज मैच्योर इज व्हाट इज द एरीलाक. एरीलाक क्या है? मैच्योर्ड लाक, इमैच्योर्ड लाक, सीड लेक और शेलेक. तो यहाँ पे आपको बताना इसका क्या आंसर आ रहा है. सीड लाक हरीश जालोर सी आंसर. सरोज जाट बी आंसर. ट्रिपल टाइम हरीश कुमार जालोर ने आंसर किया है और ट्रिपल टाइम इन्होंने सी 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 लिखा है. इतना कॉन्फिडेंट है ये अपने इनके लिए आंसर के लिए. ओके एंड अनुरुद्ध इमैच्योर रेडी बी. समरीन इमैच्योर लाक. सो जो इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा. जो जालोर जी हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे से. इतना कॉन्फिडेंस से आपको तीन बार आंसर नहीं देना है, आपको सोचना है. ठीक है सो द एरी लाक इज द इमैच्योर लाक होती हैं. ओके जो इम्प्योरिटीज उसमें बहुत ज़्यादा रहेगी इसलिए उसको इमैच्योर हम रखेंगे. वो लाक यहाँ पे पूछा गया है. ओके वन जो अनदर क्वेश्चन है ETL. ETL इज द पेस्ट पॉपुलेशन. यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है. ETL इज द पेस्ट पॉपुलेशन विच इज इक्वल टू EIL, अबोव टू EIL, जस्ट बिलो द EIL एंड मच बिलो द EIL. ओके सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट. क्या इसका आंसर है? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट. किसका आंसर सबसे पहले आएगा देखें सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन के लिए. वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले जो क्वेश्चन आया रेडी लक्ष्मी ने किया है सी आंसर. जर्नी ऑफ लाइफ आल्सो सी. आशीष राउत सी. महिमा सी. ओके सो मोस्ट ऑफ गिवन द जस्ट बिलो द EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल.
तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो हैं ईटीएल जो हैं जस्ट बिलो द इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जो ईटीएल होता है किसी भी इंसेक्ट का इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, जहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है इंसेक्ट को मैनेज करना पड़ता है। मैंने कल भी इसका डिस्कशन किया था, ईटीएल से जब ऊपर जाने लगेगा कोई भी इंसेक्ट तो वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल हो जाएगा, यानी इट इज़ फाउंड जस्ट बिलो ओके, सो जस्ट बिलो द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इक्वल भी नहीं रहेगा ये, अबोव भी नहीं रहेगा और मच बिलो भी नहीं रहेगा। मच बिलो रहेगा तो हम उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे, सो यू हैव टू रीड लाइक दैट। नेक्स्ट, एस्टिमेटर प्रेजेंट, ओके, एस्टिमेटर जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, ओके, एस्टिमेटर आर प्रेजेंट इन, ओके सॉरी ये क्वेश्चन, सही था वो क्वेश्चन, एस्टिमेटा आर, एस्टिमेटा को ही क्या बोला जाता है ये इससे पूछा गया है। डोर्सल ओसेलाई, लेटरल ओसेलाई, पिगमेंट सेल, आयरिस सेल, क्या होता है ये एस्टिमेटा, ओके। सो यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, जर्नी ऑफ लाइफ, लेटरल ओसेलाई, बी आंसर इन्होंने दिया है, अनिरुद्ध बी, सोहा इन्होंने भी बी दिया है, महिमा तो भी बी आंसर, सो मोस्ट ऑफ गिविंग लेटरल ओसेलाई, ओके। सो इस टाइप से ये जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से लार्वा होते हैं जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले कोलियोप्टेरा डिप्टेरा सॉरी इसके लेपिडोप्टेरा के, और उनके यहाँ पे एक पैचेस होता है, ठीक है, इसका ये ग्रुप ऑफ पैचेस होता है, इसी को हम एस्टिमेटा बोलते हैं। और देखिए ये जो होता है ये लेटरल क्यों बोला जाता है इसको, ओके, ये सिक्स इन नंबर में होता है, इसकी जो संख्या होती है सिक्स इन नंबर इन लेपिडोप्टर एंड लार्वी, ओके। और ये लेटरल मतलब जो इंसेक्ट जैसे यहाँ पे होता है ये प्रेजेंट इस साइड में, ठीक है, तो इसलिए इसको लेटरल ओसेलाई बोलते हैं। और डोर्सल जो ओसेलाई होती है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डोर्सल ओसेलाई होती हैं वो होती हैं जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर इस टाइप से, और इनकी जो प्रेजेंस होती हैं वो यहाँ पे डोर्सम पे होती है तीन नंबर में, ठीक है, ये तीन नंबर में प्रेजेंट होते हैं और डोर्सम पे होती हैं, इसलिए इसको डोर्सल ओसेलाई बोला जाता है। तो मच इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट, वायरस ट्रांसमिटेड बाय मिली बग, सो द वायरस ट्रांसमिशन बाय द मिली बग जो वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं वो किस टाइप का होता है, आइदर द सर्कुलेटरी टाइप, परसिस्टेंट टाइप, नॉन परसिस्टेंट और सेमी परसिस्टेंट, यहाँ पे आपको ये बताना है। देखते हैं सबसे पहला करेक्ट आंसर किसका आता है, ओके, यहाँ पे नेत्रा एच गिवन द बी आंसर, चिरासानी सी आंसर, कोमल प्रिया बी, चिरासानी नागा रानी बी आंसर इन्होंने दिया है, अनिरुद्ध सेन सेमी परसिस्टेंट, सो अनिरुद्ध सेन ओनली वन कैंडिडेट्स, सो ही हैज गिवन द आंसर करेक्ट, मोस्ट ऑफ द सबका आंसर गलत है। सो सेमी परसिस्टेंट टाइप का जो होता है वायरस ट्रांसमिशन होता है मिली बग के द्वारा, ये आपको याद रखना है। वन क्वेश्चन ईच ईयर वन क्वेश्चन विल गेट फ्रॉम दिस पोर्शन वेक्टर, दिस इज द वेक्टर वेक्टर ट्रांसमिशन ये चैप्टर है, और यहाँ पे अभी पूछा गया था माइट्स जो एक सर माइट्स का एक क्वेश्चन आया था ARS एग्जाम में अभी रिसेंटली, परसिस्टेंट बट नॉट प्रोपोगेटिव, सर्कुलेटरी बट नॉट प्रोपोगेटिव, इस टाइप से उसका जो होता है सर्कुलेटरी बट नॉट प्रोपोगेटिव, तो ये 2021 के जो नेट का पेपर था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका कि आंसर था माइट, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, एनर्जी यूज फॉर मेकिंग फोग स्मोक एंड वेपर स्प्रे, तो ये इसके लिए कौन सी एनर्जी यूज की जाती है, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, जल्दी से बताइए, बहुत मच इंपॉर्टेंट है ये, क्या इसका आंसर है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष राउट, ओके, अर्लियर थर्मल, ओके, अनिरुद्ध सेन थर्मल, रेड्डी बी इन्होंने आंसर किया है, समरीन इन्होंने भी बी आंसर किया है, प्रदीप राजा आल्सो गिवन बी, ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
एनर्जी जो यूज होती है एप्लीकेशन के लिए, स्प्रे एप्लीकेशन के लिए फॉर स्मोक ओके एंड वेपर होते हैं, इनके लिए हम थर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पे एक इसी से रिलेटेड एक और वन मोर क्वेश्चन है, पार्टिकल साइज ऑफ स्मोक। ओके सो ये भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइम इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम, सो प्लीज़ गिव दैट आंसर, व्हाट इज दैट, एंड दिस इज अ माइक्रोन, दिस इज आल्सो माइक्रोन, सारी इन सब की यूनिट माइक्रोन है। ओके माइक्रोन में पूछा गया है ये कि जो पार्टिकल साइज होती हैं वो क्या होती हैं। ओके किसका आंसर आता है डी, फर्स्ट सबसे पहले जो आंसर दिया है जर्नी ऑफ लाइफ ने दिया है डी आंसर, सचिन कुमार बी आंसर, समरीन साहू डी आंसर, अनिरुद्ध ने बिल्कुल टाइप ही कर दिया है 0.12 0.11। ओके सो जैसा कि अनिरुद्ध ने टाइप किया है आपको भी ऐसा ही याद रखना है 0.1 से 0.001। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैंने आपके लिए एक पूरी कंप्लीट पीडीएफ स्लाइड बनाई है, स्प्रे टाइप एंड पार्टिकल साइज इन माइक्रोन। ओके दिस आल यूनिट इन माइक्रोन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सो यहाँ से आपसे बहुत हर बार पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे से याद करना, यहाँ पे मैंने लिखा है वेपर। ओके और इसका भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत इजी होगा और आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो वो ट्रिक है यहाँ पे क्ले पार्टिकल, आपने देखा होगा जो क्ले पार्टिकल होते हैं सोयल साइंस में, ठीक है, उनकी जो साइज होती है 0.001 से क्या होती है, कम होती है क्ले पार्टिकल की। क्ले पार्टिकल जो होते हैं 0.001 से कम होते हैं, लेस देन होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको याद रखना है कि जो हमारे एंटोमोलॉजी में हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं क्ले पार्टिकल्स को, बिकॉज क्ले पार्टिकल तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो वेपर जो होता है वो क्ले पार्टिकल जैसा होता है, ठीक है, 0.001 से लेस देन होता है। उसके बाद आएगा स्मोक, ठीक है, वेपर के बाद स्मोक आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा फोग एंड एरोसोल। सो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 0.011 है तो 0.001 से 0.1 लेना है आपको, जैसा कि हम सिल्ट क्ले और वैसा याद करते थे वहाँ पे सेंड का, तो वैसे ही हमको यहाँ पे एक कंपेरिजन बनाना है, ठीक है। उसके बाद फोग और एरोसोल, जो फोग होता है जो 1.0 यहाँ से 1 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 0.1 to 50 micron जो होगा फोग, और जो एरोसोल होते हैं वो 1 to 50 होते हैं। तो ये आपको दोनों साथ याद रखना है, बिकॉज इन एग्जाम समटाइम एरोसोल इज आस्क्ड और उसका दिया होता है 0.1 to 50, तो ये दोनों बराबर हैं, आप इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा मिस्ट आएगा, तो मिस्ट का आएगा यहाँ पे 50, आप यहाँ पे ले आइए, ठीक है, 50 to 100, ठीक है, 50 to 100 जो होगा मिस्ट का रहेगा, बस यहाँ तक आपको याद करना है, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके बाद जो स्प्रे आते हैं एक तो फाइन मीडियम कोर्स, ये सबको बताएं, सबसे पहले फाइन आएगा छोटा रहेगा, फिर मीडियम रहेगा उससे और बड़ा, और फिर कोर्स जो होगा सबसे बड़ा, ठीक है। तो यह आपको 100 digit यहाँ पे रखना है, 100 to 200 200 to 400 and more than 400, तो उसको क्या होगा वो कोर्स पार्टिकल यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सारे आपको एक स्लाइड में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड यू विल रिमेंबर। सो एग्जाम में यहाँ से 1 क्वेश्चन आता है, ओके, एवरी ईयर 1 क्वेश्चन, अभी रिसेंटली पूछा गया था इवन ARS नेट एग्जाम में भी, इनमें से एक क्वेश्चन था मिस्ट पार्टिकल्स का साइज। ओके सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इन ईच ईयर इट इज आस्क्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड 25% EC रिक्वायर्ड 500 liter फॉर द स्प्रे इंसेक्टिसाइड एट द रेट 0.25% स्ट्रेंथ। तो इसका क्या ये कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को करिए और सही आंसर देना, इसका गलत मत करना, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता ही है। ओके सो इसको आप करिए,
ओके सो 5 लीटर इज गिवन फर्स्ट बाय बीरेंद्र सिंह, वेरी नाइस. सो इसका जो आंसर है 5 लीटर हैं, सॉरी 5 लीटर, 5 लीटर आंसर हैं इसका. सरोज जाट आल्सो गिवन बी आंसर, किरण बी आंसर, ठीक है. तो इसका जो आंसर है 5 लीटर है. इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ. एक फार्मूला होता है N1V1 N2V2, जो N1 है कंसंट्रेशन ऑफ फार्मुलेशन, जो इंसेक्टिसाइड का जो अंदर देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन था वो 25% था, ठीक है. यहाँ पे हमको याद रखना है, मतलब कंसंट्रेशन जो आते हैं ECSL, ओके WP और इस टाइप से जो भी रहेगा हमारा, जो लिक्विड फार्मुलेशन रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगे. तो ये आपको याद रखना है, वो इसका रहेगा कंसंट्रेशन इसका, सॉरी. N2 जो रहेगा कंसेंट्रेशन ऑफ स्प्रे फ्लूड इन परसेंटेज, जो परसेंटेज में क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 25%, ओके. सो ये रहेगा परसेंटेज में रहेगा ये हमेशा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और उसके बाद जो V1 होगा, वॉल्यूम ऑफ इंसेक्टसाइड रिक्वायर्ड, मतलब ये जो इंसेक्टसाइड होगा उसका वॉल्यूम होगा, इंसेक्टसाइड की जो, मतलब आपको भी मान लेना है कि आप कितना इंसेक्टसाइड लाएंगे, ओके. ये एक इंसेक्टसाइड की बोतल है, आपको कितना इंसेक्टसाइड स्प्रे करना है किसी को मैनेज करने के लिए इंसेक्ट को, ठीक है. और जो V2 रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्प्रे फ्लूइड, यानी जो बड़ा जो आप रखते हैं ऊपर इस टाइप से स्प्रेयर, ओके, तो वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा इसके लिए, उसकी क्वांटिटी होगी पर हेक्टेयर के लिए इसकी ये क्वांटिटी होगी, ठीक है. तो इस टाइप से आपको याद रखना है. और जब आप ये फार्मूला यहाँ फीड करेंगे तो यहाँ पे N1V1 = N2V2 होगा, ओके. जो N1 है हमारा यहाँ पे इंसेक्टसाइड की जो 25% दिया है यहाँ पे इसी, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू V1 क्वांटिटी हमको याद करना है. और N2 दिया है यहाँ पे 0.25 इनटू जो सॉल्यूशन है वो 500 है, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा. तो ये इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा. और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 लीटर ही आ जाएगा. तो इस टाइप से आपको याद रखना है, बहुत इजी है ये, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है इतनी वाली, ठीक है. N1 मतलब जो EC या SL जो भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा वो आपको लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ द फार्मुलेशन, इंसेक्टसाइड किस फार्मुलेशन में आता है वो ये रहेगा. और N2 रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूड रिक्वायर्ड, एट द रेट हम बोलते हैं इस रेट से आप स्प्रे करिए, एट द रेट लाइक वाइज, ओके. तो वो परसेंटेज रहेगा. और वॉल्यूम जो रहेगा इंसेक्टसाइड, यानी वॉल्यूम आपको कितना लेके आना है, और वॉल्यूम ऑफ स्प्रे आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है. तो लीटर में देंगे तो आपको लीटर में सोल्व करना है, ML में देंगे तो आपको उसको ML में करना है, मच इंपॉर्टेंट, ओके. नेक्स्ट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द एक्सोन, द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन बिकम पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड, ओके, रिस्पेक्टिवली. सो दिस इज द कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कंडीशन ये होती है जब इस टाइप से नर्वस सिस्टम के अंदर फ्लो होता है सोडियम आयन्स का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, फॉलिंग कंडीशंस और डोनन इक्विलिब्रियम, ओके. तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है, मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एवरी टाइम एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए और आंसर दीजिए इसका. आप क्या आंसर आएगा, नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है. विजय कुमार का बी आंसर आया है, सबसे पहले विजय राजा इज गिवन बी, अनिरुद्ध सेन एक्शन पोटेंशियल, समरीन एक्शन पोटेंशियल, प्रदीप राजा एक्शन पोटेंशियल. सो मोस्ट ऑफ गिवन वेरी गुड आंसर एक्शन पोटेंशियल. आपको बस एक ट्रिक यहाँ पे याद रखना है, जो सोडियम चैनल जो होते हैं इनसाइड जब ये जाते हैं, ओके, टू द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स, ओके. सो जो इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, बस इतना आपको याद रखना है. और क्या होगा, ये अंदर रहेगा, मतलब इनफ्लक्स, ठीक है. और जब ये क्या होगा, आउटफ्लक्स होगा, तो उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक अपोजिट है. तो बहुत अच्छे से इसको याद रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. फिल्टर चैम्बर किसका ऑर्गन है, बताइए ये अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिल्टर चैम्बर इज ऑर्गन फॉर डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ओके, एक्सक्रिएशन.
So you have to give the answer correctly. Filter chamber is an organ for. What is the answer? किसी का कमेंट नहीं आ रहा है अभी तक. सबसे पहले सोहराम ठाकुर ने आंसर दिया है डी आंसर एक्सक्रीशन. ए आंसर दिया गया है रेडी लक्ष्मी के द्वारा, ठीक है. और एक्सक्रीशन डी डी चिरासनी नागा ए आंसर इज गिवन. प्रदीप राजा ए आंसर. दीपेंद्र सैनी ए आंसर. विजय कुमार डी आंसर. कृष्णा यादव ए आंसर. देखिए ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए 50-50 का रेशियो है. आधों ने ए दिया है, आधों ने डी दिया है, ठीक है. तो फिल्टर चेंबर जो होता है एक होमोप्टेरा के जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है. इस टाइप से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा एक तो आपको जो अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि आपने जो जिन्होंने ए दिया है सबका रॉन्ग आंसर है, ठीक है. तो यहाँ पे जो फिल्टर चेंबर होता है प्रेजेंट इन होमोप्टेरा. सारे जो होमोप्टेरा होते हैं हेमिप्टेरा में नहीं होता है, होमोप्टेरा ओनली. एफिड वाइट फ्लाई लीफ होपर्स इस टाइप से, ठीक है. और इट इज जॉइंट बिटवीन एंटीरियर एंड ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है. ये जो जॉइंट होता है इस टाइप से देखिए ये जो है यहाँ पे ये फोरगट आ रही है, ठीक है. फोरगट ओसोफेगस और यहाँ से मिडगट स्टार्ट है एंटीरियर मिडगट. सबसे पहले ये एंटीरियर मिडगट से ये जुड़ा होता है इस टाइप से. ये दिस इज द फिल्टर चेंबर, ओके. इस टाइप से जुड़ा होता है मिडगट के एंटीरियर पार्ट से. ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन रिसेंटली आस्क्ड इन नेट 2021 ARS नेट 2000 में ये पूछा गया है. सेम ऑप्शन यहाँ पे था एंटीरियर एंड ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है. और इन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. तो फिल्टर चेंबर दिस इज द फिल्टर चेंबर और यहाँ पे हाइंडगट होती है. इस टाइप से हाइंडगट से जुड़ता है और ये क्या करता है दिस रेगुलेट्स एक्सेस फ्लो ऑफ व्हाटएवर द वाटर आयंस और एटसेट्रा जो भी होता है उनका उस फ्लो को ये रेगुलेट करता है, ठीक है. क्योंकि देखो इसको आपको याद रखने के लिए मैं बताता हूँ. जो होमोप्टेरा होते हैं ये लिक्विड फीडर्स होते हैं. इनके जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के इनके अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं. ये किसी भी प्लांट के अंदर अपनी स्टाइलेट को पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से सेप को सक करते हैं. यानी ज़्यादा मात्रा में ये क्वांटिटी क्या करते हैं प्लांट की सेप को सक करते हैं और वहाँ पर वाटर ज़्यादा आता है. यानी जब ये सकिंग बेस्ड है तो ऑब्वियसली सेप को सक करेंगे और उसमें जो वाटर या इनकी क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. तो ये क्या करता है फिल्टर चेंबर अगर इतना ज़्यादा आएगा तो आप सोचिए अगर आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपका पेट बिल्कुल फुल जाएगा, ठीक है. सो इट इज़ बेड कंडीशन. सो होमोप्टेरा बहुत एक्सीलेंट होते हैं इस मामले में. इनके ऊपर एक नेचर्स क्रिएचर है ये. इन्होंने इनको एक फिल्टर चेंबर दे दिया है, एक फिल्टर जो कि फिल्टर करेगा. वो क्या करेगा आयन आयन्स विटामिन्स को अंदर रख लेगा और जो भी एक्सेस वाटर आया है, ठीक है, एक्सेस सेफ है, जो एक्सेस वाटर और सेफ जो आता है फ्लो, ठीक है, उसको ये कर देगा, बाहर कर देगा. ये सीधा ये जाता है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जाएगा सीधा ये यहाँ से, ओके. और यहाँ पे जो रेक्टम है उसके द्वारा यहाँ से इसको बाहर कर दिया जाएगा इस टाइप से. ये मिडगट से होता यहाँ पे फिल्टर चेंबर से आएगा, फिर यहाँ से जाते जाते ये हाइंडगट के अंदर होके डायरेक्ट ये क्या करेगा बाहर निकाल दिया जाता है, ओके, इस टाइप से. तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी याद रखना. इसीलिए इसको हम बोलते हैं हनी ड्यू. तो हनी ड्यू क्या है, एक हनी ड्यू एक्सक्रिएशन है, एक्सक्रिएशन है हनी ड्यू, है ठीक है. तो हनी ड्यू क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है इस होमोप्टेरा का, ठीक है. तो ये फिल्टर चेंबर व्हाट इज हेल्पिंग, इट इज हेल्पिंग इन एक्सक्रिएशन नॉट इन डाइजेशन. मोस्ट ऑफ देम गिवन डाइजेशन, हाउ इट इज पॉसिबल, ओके. सो लाइक वाइज यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज द आंसर इज एक्सक्रिएशन, इट इज हेल्पिंग इन एक्सक्रिएशन, ठीक है. डायरेक्ट जो फ्लो ऑफ सेप आएगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा. ओनली इंपॉर्टेंट चीज रख ली जाएगी, इट्स फिल्टरिंग, ओके. सो यू हैव टू रिमेंबर, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत होता है सबका, आपका भी गलत था आधों का, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया है, ओके. सो नाउ माय कलीग विल जॉइन यू एंड ही विल डिस्कस अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, ओके. एंड आई विल कम बैक विथ निमेटोलॉजी, ओके. सो बी जॉइन अस विथ.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आज के सेशन में डेमो सेकंड जो अपना चल रहा है फ्री क्लास वाला, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहला, काइटिन इज नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, हैलोजिनेटेड पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। काइटिन क्या है? नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है, हैलोजिनेटेड पॉलीसेकेराइड है, या पॉलीपेप्टाइड है, या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है? फॉर्मली जो होती है काइटिन की, वो आपकी जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस केस में आंसर आपका क्या होगा? आपको पूछा गया है काइटिन क्या है। यस, इस केस में रेडी का आंसर ए आ रहा है, यस अनिरुद्ध सेन का आंसर ए आ रहा है, किरण का आंसर ए आ रहा है, विजय कुमार का आंसर ए आ रहा है, पद्मा का आंसर इसमें ए आ रहा है। यस, इस केस में आप सभी का जो आंसर है वह आपका ए आ रहा है, और यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वह आपका ए ही जाएगा। काइटिन जो है एक प्रकार का नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स होता है, जो इंसेक्ट की इंटीग्यूमेंट की फॉर्मेशन में काम आता है। देन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुर्डा कॉम्प्लेक्स इन अ चिली ड्यू टू माइट एंड थ्रिप्स, वाइट फ्लाई एंड एफिड, माइट एंड एफिड, नन ऑफ अबव। मिर्च के अंदर मुर्डा कॉम्प्लेक्स जो होता है किसके द्वारा संचरित होता है? बरूथी एवं थ्रिप्स, सफेद मक्खी एवं एफिड, बरूथी एवं एफिड, या इनमें से कोई नहीं। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा? आपको मुर्डा कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया है, जो चिल्ली के अंदर होता है, ये किसके एसोसिएशन से होता है? यस, अशोक गौर ए, यस इस केस में यस ए, किरण का ए, महिमा ए, राधिका ए, पद्मा ए, यस जर्नी ऑफ लाइफ इसमें सी बता रहे हैं। यस, इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका फर्स्ट वन ही होगा। मुर्डा कॉम्प्लेक्स जो होता है चिल्ली के अंदर, यह माइट एंड थ्रिप्स के एसोसिएशन से होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेनिडिया इज एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। टेनिडिया जो होता है किससे संबंधित है? डाइजेस्टिव सिस्टम से, सर्कुलेटरी से, रिप्रोडक्टिव से, या रेस्पिरेटरी से? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस केस में आपका आंसर क्या होगा? यस यस, आपको पूछा गया है टेनिडिया इज एसोसिएटेड विथ, यस समीरिन का आंसर इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है, महिमा का डी आ रहा है, यस अनिरुद्ध सेन का रेस्पिरेटरी आ रहा है, किरण इसमें डी बता रहे हैं, यस विजय कुमार का भी आंसर डी है, जाट सरोज का भी आंसर डी है, और यस यही आंसर आपका राइट होगा। टेनिडिया जो आपका एसोसिएटेड होता है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, जो ट्रेकिया को कोलास्प होने से रोकता है, टू प्रिवेंट द कोलास्प ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया को कोलास्प नहीं होने देता है, एक प्रकार की रिंज्ड अपीयरेंस होती है उसके अंदर, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है आपके सामने, फाइब्रियोन एंड सेरीसिन अकाउंट्स फॉर अबाउट एंड ऑफ द रॉ सिल्क बाय द वेट रेस्पेक्टिवली। फाइब्रियोन और जो आपका सेरीसिन जो होता है वह सिल्क के अंदर किस रेशियो के अंदर होता है, यह आपसे पूछा गया है। इस केस में अपना आंसर दीजिए 25 एंड 75, 50 एंड 50, 75 एंड 25, 60 एंड 40। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा? आपको फिब्रियोन एंड सेरीसिन के बारे में पूछा गया है कि इसका जो रेशियो होगा, यस जर्नी ऑफ लाइफ आंसर सी आ रहा है, यस नागारानी सी, यस अनिरुद्ध 75-25, यस आशीष राउत सी, महिमा टोडी सी, यस किरण सी, यस इस केस में आंसर सी वन इज अ राइट, इज अ 75 एंड 25। आप सभी का आंसर राइट है। फिब्रियोन एंड सेरीसिन का जो रेशियो है वह आपका 75 और 25 का होता है, जो आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन जो है आपके ARS 2021 के पेपर में भी यह क्वेश्चन आया है, और मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन, दैट इज द
tree top disease in an insect caused by BT, Bacillus, Bulveria Baciana, NPV and a protozoa. ट्री टॉप डिजीज जो होती है वह किसके कारण से होती है? बीटी के द्वारा, ब्यूवेरिया बेशियाना के द्वारा, एनपीवी के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. इस केस में आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर दीजिए यहाँ पे. यस अनिरुद्ध सेन, एनपीवी. यस जर्नी ऑफ लाइफ, सी. यस रानी, सी. देन जाट सरोज इज अ सी. आशीष राउत इज अ एनपीवी. यस That is your right answer. And NPV, NPV means the nuclear polyhedrosis virus, which causing the tree top disease in a insect larvae. You can say caterpillar. Caterpillar के अंदर यह tree top disease cause करती है, जहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी larvae caterpillar जो है plants के uppermost parts पे जाकर आपको इस प्रकार से जो होगी दिखाई देगी. इसे अपन tree top disease के नाम से जानते हैं. इसे caterpillar wilt और Whipfeld केत के नाम से भी इसको जाना जाता है. और मोस्टली जो एनपीवी का जो यूज है लेपिडोप्टेरन कैटरपिलर्स के लिए और होस्ट स्पेसिफिक होती है, जो आपको पता होना चाहिए. इसकी अगर अपन बात करें, इसकी में 1 LE इजिकल टू होता है 6×10^12 POB पॉली ऑक्लूजन बॉडीज होती है. इसके साथ साथ ये बैकुलो वायरस होता है. और इसको जो अपन अगर ग्राम के अंदर यूज कर रहे हो, चने के अंदर इसका यूज किया जाएगा, इसकी डोज जो होगी हेलिकोरप्पा के लिए 250 LE, दैट इज द HA NPV. हेलिकोरप्पा आर्मीजेरा एनपीवी जो है वह आपका 250 LE काम में लिया जाएगा. और इन केस ऑफ कॉटन, कॉटन के लिए अगर अपन बात करें अमेरिकन बोलवर्म के मैनेजमेंट के लिए, देन द डोज होगी आपकी 500 LE HA NPV पर हेक्टेयर. अर्थात चने के अंदर जो है 250 LE और कपास के अंदर 500 LE की डोज इसकी जो है हेलिकोरप्पा आर्मीजेरा के मैनेजमेंट के लिए काम में ली जाती है, जो आपको पता होना. यस देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेक्टर ऑफ राइस टुंग्रो डिजीज, दैट इज ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, येलो स्टेम बोरर और गंदी बग. गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. वेक्टर ऑफ राइस टुंग्रो डिजीज, का वेक्टर कौन सा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, येलो स्टेम बोरर एंड गंदी बग. गिव योर आंसर. यस अनिरुद्ध सेन ए, यस जाट सरोज ए, महिमा ए, अशोक गौर ए, यस समरीन ग्रीन लीफ अपर, चेतन शर्मा ए, जाट सरोज ए. यस इस केस में आप सभी का आंसर राइट है. ग्रीन लीफ हॉपर इज एन अ वेक्टर ऑफ द टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस, साइंटिफिकली नोन एज द नेफोटेटिक्स विरेसेंस. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज द ट्राइटोसेरेब्रम इनरवेट्स, एंटीनी, लेबियम, मैंडिबल, लेब्रम. ट्राइटोसेरेब्रम इनरवेट्स करता है एंटीनी को, लेबियम को, मैंडिबल्स को और लेब्रम को. गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा? यस क्विकली गिव योर आंसर. ट्राइटोसेरेब्रम इनरवेट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ अ इंसेक्ट. यू कैन से सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन. यस नागारानी डी, अशोक गौर डी, पद्मा ए, अनिरुद्ध लेब्रम. यस दैट इज योर करेक्ट आंसर, लेब्रम. ट्राइटोसेरेब्रम इनवेट्स द लेब्रम और यू कैन से दैट इज द अपर लीफ. लेब्रम इज ऑल्सो नोन एज अ अपर लीफ. वेर इज इन केस ऑफ ओसिलाई और कंपाउंडाइज इनवेट्स फ्रॉम द प्रोटोसेरेब्रम और इन केस ऑफ एंटीनी इज इनरवेट्स फ्रॉम द ड्यूटोसेरेब्रम एंड द रिमेनिंग दैट इज द लेबियम एंड मैंडिबल इज इनरवेट्स और इट इज अ पार्ट ऑफ द सब इसोफेगल गैंग्लियन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज द टिम्पेनल ऑर्गन प्रेजेंट ऑन विच पार्ट ऑफ केलीफेरा और केलीफेरा यू कैन से शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑफर. इट मीन्स हाइंड फीमर, टेगमिना, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स और फोरटिबिया. यस
Yes. Give your answer. Yes, Samdin. C. Ready. C. Yes. Yes. इस केस में आपका आंसर सी वन ही जाएगा. दैट इज द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे जो होती है वह टिम्पेनल ऑर्गन्स जो होता है केलीफेरा के अंदर अर्थात शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑपर के अंदर पाया जाता है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए. इसके साथ साथ अगर अपन बात करें एंसीफेरा की यानी लॉन्ग हॉर्न ग्रास ऑपर कैटिडिड्स और क्रिकेट्स की बात करें तो उस केस में जो होगा वह आपका टिम्पेनल ऑर्गन जो होगा वह फोर टिबिया में होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए. और टिम्पेनल ऑर्गन इज एन ऑडिटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अ ग्रास ऑपर लोकस्ट एंड कैटिडिड्स एटसेट्रा. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द डिजीज इन अ सिल्कवॉर्म विच इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द इमिशन ऑफ फाउल स्मेल. सिल्कवर्म के अंदर कौन सा रोग होता है जिसके कारण फाउल स्मेल आती है. गिव योर आंसर. थैंक यू विजय कुमार. यस, इन विच डिजीज प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल. इस केस में आपका आंसर क्या होगा. यस फ्लेचरी, यस अनिरुद्ध सेन, यस समरीन, यस जर्नी ऑफ लाइफ, यस रेडी. यस फाउल स्मेल ओमिशन फ्रॉम द फ्लेचरी डिजीज और इट इज अ कॉज्ड बाय अ बैसिलस बैक्टीरिया और इन केस मस्कार्डिंग डिजीज इज अ कॉज्ड बाय अ फंगस. देन पेब्राइन डिजीज बाय प्रोटोजोआ एंड ग्रेसरी डिजीज बाय अ वायरस. ओके, देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज द रिटार्डेशन ऑफ लिंट ऑफ कॉटन ड्यू टू द अटैक ऑफ. कपास में लिंट का निर्माण नहीं हो पाना, रिटार्डेंट करना, कौन से नासिक कीट के आक्रमण के कारण होता है. गिव योर आंसर. दैट इज रेड कॉटन बग, पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म. यस, रिटार्डेशन ऑफ लिंट और दैट क्वेश्चन कम्स इन द ARS 2021. यस, गिव योर आंसर. यस, नागारानी ए, विजय कुमार यस, पिंक बॉलवर्म पद्मा बी, यस जर्नी ऑफ लाइफ ए, जाट सरोज बी, यस अशोक गौर बी, यस. इस केस में आपका आंसर बीरेंद्र सिंह, यस शाबाज. इस केस में आंसर आपका बी ही जाएगा. दैट इज द पिंक बॉलवर्म कॉजिंग द रिटार्डेशन ऑफ अ लिंट इन अ कॉटन. कॉटन के अंदर पिंक बॉलवर्म के कारण रिटार्डेशन होता है. इसके साथ साथ पिंक बॉलवर्म जो होता है वह आपके कॉटन के अंदर डबल सीड फॉर्मेशन का कार्य भी आपका करता है, जो आपको पता होना चाहिए. यह क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है स्टेनिंग से कंफ्यूज कर सकता है. अगर आपको पूछा जाए कि कॉटन फाइबर्स की स्टेनिंग किसके द्वारा की जाती है तो उस केस में आपका इंसेक्ट जो आएगा वह आपका रेड कॉटन बग आएगा विद द एसोसिएशन ऑफ निमेटोस्पोरा गोसिफेला. बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में करके यह जो होगा लिंट की स्टेनिंग करने का कार्य करता है. तो स्टेनिंग ऑफ अ लिंट इज ड्यू टू द अटैक ऑफ द रेड कॉटन बग. रेड कॉटन बग के कारण जो होता है स्टेनिंग होती है, जो आपको पता होना चाहिए. लेकिन रिटार्डेशन ऑफ लिंट के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा तो इस केस में आंसर आपका पिंक बॉलवर्म पेक्टिनोफेरा गोसिफेला जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज द फेनवल रेट क्या है. क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, निकोटिनोइड्स, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स, कार्बामेट्स. गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. यस, फेनवल रेट क्या है. यस विशाल गौर बी, यस रेडी सी, यस अनिरुद्ध यस, सी पायरेथ्रोइड, ममता सी, जॉर्ज सरोज सी, जर्नी ऑफ लाइफ सी. यस, दैट इज योर आंसर इज राइट. इट मीन्स द फेनवल रेट इज एन अ सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स. अदर एग्जाम्पल्स यू कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक अ परमेथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, एलेथ्रीन, बायो एलेथ्रीन, ऑल आर द सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज द इंसेक्ट एक्टिव ड्यूरिंग द इवनिंग और यू कैन से इन अ डार्क कोल्ड डेज. द इंसेक्ट विच आर एक्टिव एट द टाइम ऑफ द इवनिंग विच आर कोल्ड डेज, जो शाम के समय सक्रिय रहते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे.
जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि यहां पे आपका आंसर जो होगा क्या होगा। यस, थैंक यू आशीष राउत फॉर योर कमेंट फॉर मी। यस यस, रेडी बी, यस आशीष राउत, यस क्रेपेस्कुलर, या जर्नी ऑफ लाइफ सी, रेडी डी, ओ या पद्मा बी, यस पुष्कर चौधरी बी, समरीन डी, विजय कुमार डी, जाट सरोज डी। यस, इस केस में आप मेजोरिटी ऑफ लोगों का आंसर आपका सही आ रहा है। इस केस में आंसर जो होगा आपका डी ही जाएगा, कृपेश कूलर के नाम से जाना जाएगा, जो इवनिंग टाइम में जो होता है आपका सक्रिय रहता है। डायुर्नल, डायुर्नल इज इट मीन्स द डे टाइम, जो दिन के समय सक्रिय रहते हैं वह आपके डायुर्नल कहलाते हैं। नॉक्टर्नल अर्थात जो नाइट टाइम, इट मीन्स द रात के समय जो सक्रिय रहते हैं वह आपके नॉक्टर्नल कहलाते हैं। एंड द मैटिनल विच आर एक्टिव इन द मॉर्निंग टाइम, जो सुबह के समय जो सक्रिय रहते हैं वह आपके मैटिनल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें जो इमेज बनती है, इमेज के बारे में क्वेश्चन आता है कई बार कि आपके डायुर्नल के अंदर किस प्रकार की इमेज बनती है, तो उसे आप एएम के नाम से ध्यान रख सकते हो। एपोजिशन इमेज या मोज़ेक विजन भी आप कह सकते हो, यानी डायुर्नल के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी वह आपकी एपोपोजिशन और यू कैन से मोज़ेक विजन। मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है कि मोज़ेक विजन या एपोजिशन इमेज जो होती है किस प्रकार के इंसेक्ट्स के अंदर बनती है, तो आपको आंसर आना चाहिए डायुर्नल, जबकि सुपरपोजिशन इमेज जो बनती है वह नॉक्टर्नल इंसेक्ट के अंदर बनती है। तो आपकी ट्रिक यानी जो दिन में सक्रिय रहते, दिन यानी एएम यानी सुबह या दिन का समय आप जो 12 बजे से पहले मानते हो उसके अनुसार आप इसको याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट वन, यस, जूलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन मैना, व्हाट इज द जुमेना, और यू नो वेरी वेल इंडियन मैना फर्स्ट टाइम यूज इन द 1762 फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द रेड लोकस्ट इन द मॉरिशियस। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इसको सबसे पहले जो है यूज किया गया था। यस, गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। इंडियन मैना साइंटिफिकली नोन एज, यस विजय कुमार बी, यस जर्नी ऑफ लाइफ बी, किरण बी, महिमा टोडी बी, जाट सरोज बी, आशीष राउत बी। यस, इस केस में आप सभी का आंसर राइट है और यहां पे जाएगा एक्रिडोथेरस ट्रिस्टेरस। यह आपकी इंडियन मैना का जो है आपका जूलॉजिकल नेम है, जिसको सबसे पहले जो है आपके मॉरिशियस के अंदर रेड लोकस्ट के लिए नियंत्रण के लिए काम में लिया गया था, जो एग्जाम के अंदर आता। नेक्स्ट वन, Which of the following region occupies major portion of the ovariole? Ovariole का major portion कौन से part के अंदर होता है? Options are germinium, terminal filament, vitellerium, pedicel. अगर अपन ovariole की संरचना की बात करें तो उस केस में उसमें अपर मोस्ट जो पोर्सन होता है वह आपका टर्मिनल फिलामेंट होता है, देन आपका जर्मेरियम आता है, देन विटेलेरियम आता है, एंड द लास्ट वन इज द पेडिसल होता है। तो जल्दी से बताइए इस केस में आपका आंसर क्या होगा। यस नागारानी, आई कैन चेक इट, इट इज 1792 और 1762, कुलदीप प्लीज चेक। यस, इस आंसर आप सभी का सी आ रहा है। यस, इस केस में आंसर आपका सी ही राइट जाएगा, दैट इज द विटेलेरियम। विटेलेरियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओवरियोल, यह ओवरियोल का आपका लार्जेस्ट पार्ट माना गया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाइट लेक मॉथ यूब्लेमा एमाबिलिस विच इज अ प्रीडेटर ऑफ अ लेक बिलोंग टू द फैमिली। लाख के कीट का एक परपक्षी दैट इज द व्हाइट लेक मॉथ यूब्लेमा जो है कौन से कुल से बिलोंग करता है, यह प्रश्न आपसे यहां पे किया गया है। उसकी फैमिली आपको बतानी है, दैट इज पायरेलिडी, नॉक्ट्यूडी, आर्क्टिडी और पायरिडी। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। यस रेडी बी, यस समरीन नॉक्ट्यूडी, अनिरुद्ध सेन नॉक्ट्यूडी, विजय कुमार बी, यस मोहित सी,
आशीष राउत नॉक्ट्यूडी जाट सरोज बी चेतन शर्मा सी नो इट इज द राइट आंसर इज द बी दैट इज द नॉक्ट्यूडी दैट इज द यूब्लेमा एमाबिलिस बिलोंग्स टू द फैमिली नॉक्ट्यूडी नॉक्ट्यूडी फैमिली से यह बिलोंग करती है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट वन इज द वेन मार्केट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट वेन मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस बाजार मूल्य जो है वह आपका बढ़ेगा तो उसका प्रभाव EIL पर क्या होगा ऑप्शन इज EIL डिक्रीजेस EIL इंक्रीजेस रिमेंस सेम और नन ऑफ दिस EIL मींस द इकोनॉमिक इंजुरी लेवल यस वी कैन कंफर्म द फर्स्ट यूज ऑफ द इंडियन मेना अगेंस्ट द रेड लोकस इन मॉरिशियस द ईयर इज द 1762 ईयर इज द 1762 विच कैन आई टोल्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स मैंने आपको 1762 जो वर्ष बताया इंडियन मेना का जो सबसे पहली बार जो उपयोग लिया गया वह वर्ष आपका सही था इसमें से आप में किसी नागारानी या किसी का कमेंट आया था कि सर ईयर जो है 1792 है 1792 बता रहे लेकिन वह 62 ही है जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप क्या होगा यहां पे आंसर यस जाट सरोज ए महिमा टोडी ए यस जर्नी ऑफ लाइफ ए यस यस इस केस में ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो मार्केट वैल्यू और EIL का इकोनॉमिक इंजरी लेवल का जो रिलेशनशिप होता है वह वाइस वर्सा होता है और वाइस वर्सा और यू कैन से दैट इज द आंसर इज करेक्ट इज द EIL डिक्रीजेस उस केस में जो आपका EIL जो होगा वह आपका डिक्रीज होता है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है देन नेक्स्ट वन इज द वेन डिजीज इज मोर और लेस कंसिस्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम द ईयर टू ईयर इन अ मॉडरेट टू सेवर फॉर्म इन अ पर्टिकुलर रीजन देन इट इज नोन एज जब कोई रोग या कोई कीड़ा किसी पर्टिकुलर स्थान पर एक वर्ष के बाद यानी लगातार जो है हर साल वहां पे अपीयर होता है और जिसके द्वारा जो है मध्यम से तीव्र नुकसान होने की संभावना रहती है तो उस प्रकार के रोग या नासिक कीट को अपन क्या कहेंगे जल्दी से अपना आंसर दीजिए यहां पे आपका आंसर क्या होगा दैट इज द एपिडेमिक स्पोरेडिक पेंडेमिक या एंडेमिक जल्दी से यस रेडी डी आशीष राउत एंडेमिक जाट सरोज डी यस चिरंजन डी यस मेना महिमा टोडी डी विजय कुमार डी यस जाट सरोज एंडेमिक यस आप सभी का आंसर राइट है दैट इज नोन एज द एंडेमिक यह आपका एंडेमिक के नाम से जाना जाएगा जो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर जो है बार बार उसकी अक्रेंस हो रही है पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अनुसार तो वह आपका एंडेमिक होगा लेकिन अगर अपन कहें कि वह बहुत ज्यादा एरिया के अंदर लार्ज स्केल में अगर उसका प्रकोप हो रहा है तो उस केस में वह आपका एपिडेमिक होगा और जब आइसोलेटेड कंडीशन होगी तो उस केस में आपका स्पोरैडिक होगा और पेंडेमिक यानी कि वर्ल्ड वाइड जब वर्ल्ड वाइड अगर किसी का अटैक होता है या कोई डिजीज अपीयर होती है पेस्ट तो वह आपका पेंडेमिक में आता है जैसे आपका कोरोना वायरस जो है आपका पेंडेमिक में आता है देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज इन हनीबी पोलन बास्केट प्रेजेंट इन विच लेक फोर लेग मिडल लेग हाइंड लेग या ऑल ऑफ दिस मधुमक्खी के अंदर जो पोलन बास्केट होती है जो परागकण को एकत्रित करने के लिए काम में आती है वह उसके कौन सी टांगों पर होती है अग्र टांग मध्य टांग पश्च टांग या ये सभी और वैसे आपको बता दूं पोलन बास्केट जो होती है मधुमक्खी की अपन बात करें उसमें तो वर्कर्स की बात हो रही है क्योंकि वर्कर्स ही होते हैं जो आपके पोलन कलेक्टिंग का कार्य करते हैं तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा यस विजय कुमार का आंसर सी जाट सरोज सी किरण सी महिमा टोडी सी यस जाट सरोज हाइंड लेग्स यस मोनिस सी यस विजय कुमार आंसर इसमें सी दे रहे हैं और इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वह आपका सी वन ही जाएगा हाइंड लेग के अंदर जो होती है आपकी पोलन बास्केट होती है और इट इज आल्सो नोन एज द कॉर्बिकुला यह कॉर्बिकुला के नाम से भी जानी जाती है जो भी आपको पता होना चाहिए देन वी गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज द ग्लैंड्स दैट हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ लैक वह कौन सी ग्रंथि है जो लाख के स्त्रवण में सहायता करती है ऑप्शन इज द रेजिन ग्लैंड सेलाइवरी ग्लैंड फेरेंजियल ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स
Give your answer in a comment box. Which gland is associated with the secretion of the lac? Lac का कीट जो secretion करता है वह कौन सी ग्रंथि के द्वारा करता है? Yes, Reddy is given A. Yes, Anitha A. Yes, Samreen, resin glands. Yes, Mohammad Mohsin A. Yes, Anirudh Sen, resin gland. Journey of Life A. Mahima Todi A. Jat Saroj A. Yes. आप सभी का आंसर राइट है. इस केस में आपका आंसर जो जाएगा वह आपका रेजिन ग्लैंड ही जाएगा. देन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट वन इज द इन राइस कटिंग ऑफ सीडलिंग टिप बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इज अ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर कंट्रोलिंग. जब आप धान की रोपाई ट्रांसप्लांट करते हो तो उस केस में उसके ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है तो वह कौन से कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? यह प्रश्न आपसे यहां पे किया गया है. जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर, केशवर्म, येलो स्टेम बोरर एंड गोल बीच. जल्दी से. यस, रेडी वन गिविंग द आंसर सी, अनिरुद्ध सी. यस, जर्नी ऑफ लाइफ सी, अनिता सी, जाट सरोज. यस यस यस, जाट सरोज आल्सो गिविंग आंसर सी. और करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज द येलो स्टेम बोरर. और एज यू नो येलो स्टेम बोरर इज एन अ मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस विच आर कॉजिंग द डेड हार्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप एंड वाइट ईयर इन द ओल्डर स्टेज ऑफ द क्रॉप. ये जो होता है डेड हार्ट और वाइट ईयर सिम्टम जो होता है इसके अंदर कॉज करता है. Dead heart in the younger plants and white ear in the older plants. Okay? And अगर आपको क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए और अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो सीडलिंग को ट्रांसप्लांट आप करते हो जब टिप आप ऊपर से रिमूव करते हो तो वो कौन सी डिजीज के लिए होगा, then अगर आपको डिजीज का केस पूछ लिया जाएगा तो उस केस में आपका जाएगा बीएलबी, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट ऑफ राइस. बैक्टीरियल लिप ब्लाइट ऑफ राइस के अंदर भी जो होता है सीडलिंग टिप को रिमूव करने का कार्य किया जाता है. यह भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है जो आपको पता होना चाहिए. देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ईआईएल. इनमें से कौन सा है जो आपके ईआईएल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इकोनॉमिक इंजरी लेवल को? फर्स्ट ऑप्शन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द क्रॉप, मैनेजमेंट कॉस्ट, क्रॉप ससेप्टिबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ फार्मर. गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. विच इज द योर करेक्ट आंसर? अनिरुद्ध सेन, यस बी, या अच्छा बीएलबी, ओके. महिमा टोडी डी, यस. जाट सरोज डी, रेडी डी, यस. आप सभी का आंसर राइट है. अगर अपन ईआईएल की बात करें, इकोनॉमिक इंजरी लेवल की अपन बात करें तो इस केस में किसान की आर्थिक स्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है. यहां पे आपका आंसर डी ही जाएगा. ये तीनों चीजें जो है ये ईआईएल के निर्धारण के लिए रखी जाती है, इनको कंसिडर किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम रिगार्डिंग पेस्ट पॉपुलेशन. इनमें से कौन सी अवधारणा जो है आईपीएम की है जो कीट के नियंत्रण के लिए काम में ली जाती है आईपीएम के अंदर? यह प्रश्न आपसे किया गया है. गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. इज अ सप्रेशन, इरिडिकेशन, मैक्सिमाइजेशन और टोटल कंट्रोल. यस, गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स. Which is the main motto or you can say the main concept of the IPM? Yes, journey of life B or yes, Mahima Tobi. Yeah, cha, next one, previous question. Yes, Monish D. Yes. आपके कमेंट से ऐसा लग रहा है कि आपके कमेंट काफी स्लो आ रहे हैं और शायद इस क्वेश्चन को जो है काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन आप इसको समझ नहीं पाए हो. शायद दिक्कत यहां पे आपको ये हो रही है.
यस जाट सरोज भी इसमें आंसर बी दे रहे हैं, यस करवा भी इसमें बी दे रहे हैं, समरीन भी इसमें आंसर बी दे रहे हैं, कुरवा का आंसर डी आ रहा है। चलो मैं आपको यहां पे ये चीज समझा देता हूं, यहां पे जो आंसर जाएगा वो आपका कोई नहीं जाएगा। यस अन्नु का आंसर जो है इसमें सही आया है, इसमें आंसर आपका ए वन ही जाएगा, दैट इज द सेपरेशन। देखो आईपीएम के अंदर जो है मेन चीज का जो ध्यान रखा जाता है ईटीएल और ईआईएल के कंसिडरेशन को ध्यान रखा जाता है, तो उसमें यह नहीं कहा गया है कि आप पूर्णतया उस पेस्ट को आप जो है इरेडिकेट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो या उसको मैक्सिमाइजेशन उसका कर रहे हो। इसमें जो है आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू का भी आप निर्धारण यहां पे आप करते हो, तो इट मीन्स आप पॉपुलेशन को ओनली सप्रेस करने का कार्य आप वहां पे करते हो, तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईटीएल से नीचे तो पेस्ट की पॉपुलेशन होती है, ये आप सभी को पता है, पॉपुलेशन तो वहां पे होगी होगी। अगर आप इरेडिकेट और कंट्रोल और ये शब्द काम में लोगे यानी वहां पे पेस्ट की पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन पेस्ट की पॉपुलेशन है तो ईटीएल से नीचे रखने के लिए अपन उसको सप्रेस करते हैं, उसकी पॉपुलेशन को कम करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द स्टेमेटा आर द लेटरल आई प्रेजेंट इन, स्टेमेटा जो लेटरल आईज होती है यह किसमें उपस्थित होती है, कैटरपिलर्स, नीम, नेट्स, बग्स, इस केस में आंसर दीजिए। यस आंसर इज ए, यस कैटरपिलर्स, यस 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 जर्नी ऑफ लाइफ ए, अनु ए, कृष्णा यादव ए, यस योर आंसर इज राइट। लेटरल ओसिलाई इज प्रेजेंट इन अ कैटरपिलर्स, नंबर ऑफ लेटरल ओसिलाई इज 6। देन नेक्स्ट वन इज इन हनीबी क्वीन सब्सटेंस इज सिक्रेटेड बाय, मधुमक्खी के अंदर क्वीन सब्सटेंस किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। फर्स्ट वन इज द एसिड ग्लैंड्स, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स, मैंडिबुलर ग्लैंड्स और नन ऑफ द अबव। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। यस क्वीन सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय, यस रेड्डी सी, नागारानी सी, कृष्णा यादव सी, अनिरुद्ध सी, महिमा टोडी सी, अनु सी, यस योर आंसर इज करेक्ट, मैंडिबुलर ग्लैंड। Mandibular glands secrete the queen substances, which is a rich in a pentothomic acid, which is a rich in a pentothomic and bioptrin acid. Then when in a hypopharyngeal gland present in the workers, which are secretes the royal jelly. Then in a acid glands or acid gland, you can show known as the wax gland. It is also known as the. Then next one. That is which pest of a match caused the dead heart? निम्न में से कौन सा कीड़ा है जो मक्का के अंदर dead heart लक्षण पैदा करता है? It means that feed in the inside the stem and causing the hollow out of the stem. जो मक्का के तने के अंदर खाता है और मक्का के तने को अंदर से खोखला कर देता है, और जिस सिम्टम को अपन dead heart के नाम से जानते हैं वह कौन से पेस्ट के अटैक के कारण होता है? Yes, answer is a D. Yes, Mohammed D. Kiran is a D. Yes, Jat Saroj is a D. Yes, इस केस में आपका सभी का आंसर राइट है। स्टेम बोरर, दैट इज द काइलोपार्टेलस, इज अ कॉजिंग अ डेड हर्ट सिम्टम इन केस ऑफ अ मैच। देन द नेक्स्ट वन, फैमिली ऑफ अ गोल और रस्ट माइट, टेट्रानिकिडी, टार्सोनेमिडी, टेनिपुलेडी, इरियोफाइडी। यस गोल और रस्ट माइट की फैमिली कौन सी होती है, यह प्रश्न आपसे यहां पे किया गया है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए आप। यस अनिरुद्ध सेन डी या वीरेंद्र सिंह डी, इरर ए, एक्स्ट्रा इरर आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं इस वजह से इरर आ गया है क्वेश्चन के आंसर के अंदर भी, मोहित डी,
Sunita Smart D. Yes. Journey of Life D. Yes, your answer is right. Eriophyd. Eriophyd mites causing a is a belong to a gall or rust mite. Then, as you see, eriophyd looks like a vermiform. Vermiform. Eriophyd mite का जो shape होता है वो worm के आकार का होता है, vermiform होता है, और सबसे important characteristics जो होते हैं इसमें जो होता है two pair of legs होता है. बाकी अगर अपन mites की बात करें तो उसमें four pair of legs होते हैं, जो आपको बताना चाहिए. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस eriophyd mites के अटैक के कारण गोल का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड देन लीव्स के ऊपर आपको रस्टी अपीयरेंस आपको दिखाई देती है. तो देट आर द टू मेन सिम्टम ऑफ द eriophyd mite मेकिंग द गोल्स एंड द फॉर्मिंग अ रस्टी अपीयरेंस ऑन द लीव्स और अ डिफरेंट पार्ट इज बिलोंग्स टू द eriophyd mite विच इज हैविंग अ वर्मीफॉर्म सेफ एंड टू पेयर्स ऑफ लेग्स. देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द केविटी प्रेजेंट इन बिटवीन द हाइपोफेरेनिक्स एंड द लेबियम. हाइपोफेरेनिक्स जीवा एवं लेबियम के बीच में जो केविटी होती है वह किस नाम से जानी जाती है. हाइपोफेरेनिक्स जीवा और लेबियम के बीच में, यानी निचला होट, यू कैन से लोअर लिप. गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. व्हाट इज द राइट आंसर. कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोफेरेनिक्स एंड लेबियम. यस, आंसर इज अ मेगा चतुर्वेदी बी, समरीन डी, नागारानी बी, अनिरुद्ध बी, जर्नी ऑफ लाइफ बी. यस, जाट सरोज बी, जाट सरोज. यस 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 यस. इस केस में आप सभी लोगों का आंसर जो आ रहा है वह आपका आंसर राइट आ रहा है. दैट इज द सेलाई वेरियम के नाम से जानी जाती है. इसको समझ लीजिए थोड़ा. यहां पे जैसे आपको बताया, जो आपका लेबियम होता है, जो आपका लेबियम होता है दैट इज आल्सो नोन एज द लोअर लिप. ये आपका लोअर लिप के नाम से जाना जाता है. एंड देन लेब्रम की बात करें, इट इज आल्सो नोन एज द अपर लिप. ये अपर लिप के नाम से जाना जाता है. तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो होती है हाइपोफेरेनिक्स होती है, जिह्वा होती है. तो यहां पे जो आपका लेब्रम है, अपर लिप है, और आपका हाइपोफेरेनिक्स है, उसके बीच में जो होगा वह आपका साइबेरियम होगा. वो कैविटी जो कहलाएगी आपकी साइबेरियम कहलाएगी. और उसके बाद आपके हाइपोफेरेनिक्स और लेबियम के बीच की जो कैविटी होगी वह आपकी सेलाइवेरियम के नाम से जानी जाएगी. यानी इंसेक्ट के माउथ पार्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे ऊपर जो होता है आप समझते हो लेब्रम आएगा, एंड देन सेंटर के अंदर अपन कहेंगे हाइपोफेरेनिक्स आएगा, और लास्ट वन में आपका लेबियम आएगा. तो इट मीन्स जो आपका यहां पे जो होगा वह आपका साइबेरियम होगा, और यहां पे जो होगा आपका सेलाइवेरियम होगा. तो इसको याद रखने का सीधा सा तरीका यही है कि अपन जब एबीसीडी बोलते हैं, यानी एबीसीडी के हिसाब से देखें तो सी पहले आएगा और एस बाद में आएगा, इसलिए यह साइबेरियम एंड सेलाइवेरियम होगा, जो आपको पता होना चाहिए. यहां बीच वाला स्पेस इस नाम से जाना जाता है. देन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यस, नेक्स्ट वन इज द क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन एसोसिएटेड विथ. क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन किस सिस्टम से संबंधित है, यह प्रश्न आपसे यहां पे किया गया है. यस, इस केस में आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपका आंसर दीजिए. यहां पे क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन जो होती है वह, यस ठाकुर का आंसर इसमें सी आ रहा है. और भी लोग आंसर दीजिए, इस केस में आपका आंसर क्या होगा. यस, रेडी गिविंग द आंसर डी, एक्स्ट्रा एरर. यस, एक्स्ट्रा एरर. आज आप आंसर में आपके एरर आ रही है. रानी का डी आ रहा है, विजय कुमार का डी आ रहा है, अनिरुद्ध सेन का डी आ रहा है, जाट सरोज का डी, अनु का डी, किरण का डी. यस, योर आंसर इज राइट. दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो इंसेक्ट के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके भाग के रूप में क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन पाई जाती है. इसमें क्या होता है, मेल्फिजेंट ट्यूबुल्स जो होती है,
मेलपिजन ट्यूबुल्स जो होती है वह इंसेक्ट के जो आपका हाइंड गट है उसके रेक्टम के साथ एसोसिएटेड हो जाती है, रेक्टम के साथ एसोसिएटेड हो जाती है। और यह जो केस होता है जो लार्वी होती है आपके कोलियोप्टेरा और आपके लेपिडोप्टेरा की उसके अंदर, और मोस्ट ऑफ जो स्टोर्ड ग्रेन की जो लार्वी होती है इन ऑर्डर्स की उसके अंदर यह क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन पाई जाती है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वह होता है वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। क्या करना? वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन प्रेजेंट इन इंसेक्ट इन द लार्वी ऑफ द कोलियोप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा विच आर इन्फेस्टिंग ऑन द स्टोर्ड ग्रेन। जो स्टोर्ड ग्रेन पर इन्फेस्टिंग करती है मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा की लार्वी में होती है जो वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है। यस, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किलिंग ऑफ प्यूपी ऑफ सिल्कवर्म इन द कोकून इज कॉल्ड। रेशम के कीट के कोकून के अंदर जो होता है सिल्कवर्म की जो प्यूपी है कोशित है उसको मारने को क्या कहा जाता है? माउंटिंग, रिलिंग, क्यूरिंग, स्टिफलिंग। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। विच वन इज द करेक्ट आंसर? यस, ठाकुर गिविंग द आंसर डी, महिमा टोबी डी, यस इरर सवास डी, अनिरुद्ध स्टिफलिंग या इस केस में आपका सभी का आंसर डी आ रहा है, वो आंसर आपका राइट है। किलिंग ऑफ द प्यूपी इज नोन एज द स्टिफलिंग। और व्हेन रिलिंग मींस द थ्रेड्स को अलग करना, ये आपका रिलिंग कहलाएगा। और माउंटिंग का अर्थ है जो लास्ट स्टेज की लार्वी होती है उसको प्यूपिल केस के अंदर परिवर्तन होने के लिए माउंटेज पर रखना ही आपका माउंटिंग कहलाएगा। और क्यूरिंग का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है आपका। देन हाउ मेनी डेज आफ्टर द सोइंग ऑफ द कॉटन फिरोमोन ट्रैप शुड बी इंस्टॉल। कपास के अंदर बुआई के कितने दिनों बाद फिरोमोन पास लगाना चाहिए? और ये अपन किसकी बात करें कपास में फिरोमोन पास के लिए? अमेरिकन बॉलवर्म की बात करें। अमेरिकन बॉलवर्म के केस में उसका अटैक आपके क्रॉप पर हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी फॉर द मॉनिटरिंग के लिए जो होगा अपन फिरोमोन पास बुआई के कितने दिनों बाद लगाते हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा? यस यस मनवा गिविंग द आंसर 21 days। यस मनवा ए। और भी कोई इसका आंसर दीजिए, एक्स्ट्रा एरर को नहीं पता है, कोई ना हम बता देंगे। यस गयात्री 21। यस महिमा टोबी ए। यस योर करेक्ट आंसर इज अ 21 days। After the 21 days, pheromone trap should be installed in the cotton field. कपास के फील्ड में 21 दिन बाद जो ये pheromone pass को लगा देना चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका A1 जाएगा। जार सरोज, you are right. मेगा चतुर्वेदी, you are also right. Then next question is the organophosphate and the carbamate insecticides works by the disrupting ana insects. ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट कीटनाशी जो होते हैं वह कीट के कौन से सिस्टम को प्रभावित करते हैं? Give your answer in a comment box. Right answer. Yes. Yes. Giving your answer. Yes. What is the right answer? Yes. Gayatri C. Yes. Nagarani C. Anu C. Yes. All of you giving the answer is correct or your answer is right. That is the nervous system. Nervous system. Organophosphate and carbamate insecticides works on the nervous system. जो organophosphorus और carbamate insecticides होते हैं insect के nervous system के main enzyme acetylene cholinesterase enzyme को inhibit करते हैं। It means the inhibition of the synthesis of the acetylcholine or which are causing a symptom and insect ultimately die, or it means you can say the nervous system is affected by the organophosphorus and a carbamate insecticide. Then the next one question is the aristate type of antennae present in. Aristate प्रकार की श्रृंगिका किसके अंदर पाई जाती है? Giving your answer in a comment box. Aristate type of antennae is present in a which insect? Butterfly, mosquito, housefly,
or you can say cockroach. Yes. Kuruva giving answer C. Yes. Mahima C. Journey of Life C. Annu C. Jats Rose C. Extra Error C. Anirudh Sen C. Yes. All of giving the right answer, or right answer is the housefly. Housefly के अंदर जो होता है aristate type of antennae presence होती है. Then next question is the function of nephrocytes. Nephrocytes की क्या कार्य होता है? First option is the storage excretion, protein and lipid metabolism. Third one is the control of the heartbeat, or all of the above. Yes, giving your answer in a comment box. Which one is the right answer in case of a nephrocyte? The main function of the nephrocyte. Yeah. Yes, Mahima Toby A. Yes, Thakur D. Anirudh Sen all. Yes. Extra error D. Yeah. Yeah, extra error all. Yes, Annu D. Yes, इस केस में आपका आंसर D ही जाएगा. नेफ्रोसाइट जो होता है ये सभी कार्य करता है, स्टोरेज एक्सट्रैक्शन का कार्य करता है, प्रोटीन एंड लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है, और हार्ट बीट को कंट्रोल रखने का भी कार्य करता है. देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट वन इज द न्यूरोसाइट. इज न्यूरोसाइट क्या है? बॉडी ऑफ न्यूरोन, मास ऑफ एक्सोन, मास ऑफ डेंड्राइट, ऑल ऑफ अबव. ये भी आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित है. बताइए न्यूरोसाइट आपका क्या है? यस यस, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? न्यूरोसाइट इज एन अ बॉडी ऑफ न्यूरॉन, मास ऑफ एक्सॉन, मास ऑफ डेंड्राइट. यस, गायत्री गिविंग आंसर ए, अनिरुद्ध सेन गिविंग ए, महिमा यस ए, एक्स्ट्रा इरर डी. या एक्स्ट्रा इरर, आज इरर बहुत हो रही है आपसे. या यस, यू आर डिलीटेड द रिएक्शन बट आई एम रीड. यस, चिरंजी नागारानी गिविंग आंसर ए. यस, योर राइट आंसर इज ए. बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज नॉन एज द न्यूरोसाइट, वेयर इज इन मास ऑफ एक्सॉन इज नॉन एज द न्यूरोपाइल. ये दोनों ही केस आपको ध्यान रखने हैं. जो आपके न्यूरॉन की जो बॉडी होती है वह न्यूरोसाइट कहलाएगी, और एक्सॉन का जो मास होगा वह न्यूरोपाइल के नाम से जाना जाता है. अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट वन इज द निमेटोलॉजी, और निमेटोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर कुलदीप शर्मा. आप इंतजार करें, अभी आए एक सेकेंड में. चलो चालू करो. हेलो, सो विल कंटिन्यू विथ निमेटोलॉजी पोर्शन आल्सो, क्योंकि जो निमेटोलॉजी पोर्शन है आईसीआर जीआरएफ एज वेल एज एसआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है. यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और वन मोर थिंग, इस पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं. अगर आप इस पोर्शन को छोड़ेंगे तो आपकी रैंक बिल्कुल आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो यू हैव टू रीड दिस आल्सो. सो वी विल डिस्कस that the first question of the nematology, that is nidham is associated with studies on, जो nidham है वो किस शाखा से associated है? Seed pathology, seed epidemiology, nematology and entomology. Most आपका जो answer आया है सही आया है, सी आंसर इन्होंने दिया है. ओके, सो दिस इज करेक्ट. सो निदम जो है इट इज अ साइंटिस्ट एंड nematologist. इन्होंने जो है 17 विज वन 43
मैं सबसे पहले एंग्विना ट्रीटिसाइज जो था उसका इन्होंने स्टडी किया था, सबसे फर्स्ट निमेटोड इज स्टडीड बाय दिस साइंटिस्ट, सो इट इज़ वेरी मच मच इम्पोर्टेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, आप ये क्वेश्चन को रीड करिए, विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड फॉर दिस, बताइए आप क्या आपको यहाँ पे आएगा, लॉन्जिडोरस नीडल निमेटोड, प्रेटिलेंकस लेजन निमेटोड, डिटिलेंकस बल्ब निमेटोड और टाइलेंकुलस सिस्ट निमेटोड, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर डी दिया है, सबसे पहले रेडी लक्ष्मी अनु डी एक्सट्राइलर डी अनिरुद्ध सेन डी, ओके सो मोस्ट आर गिविंग द आंसर डी, सो इट इज करेक्ट आंसर, सिस्ट निमेटोड जो है हेटेरोडेरा या फिर ग्लोबोडेरा और आइदर वन मोर स्पीसीज पंक्टोडेरा, ठीक है वो आएगा, एंड द टाइलेंकुलस जो है ये सिट्रस निमेटोड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम निमेटोड्स के ऑलवेज साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमेटोड बिलोंग टू द किंगडम, सो निमेटोड बिलोंग टू द विच किंगडम, सो हियर द प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा, यानी जो ये निमेटोड्स जो प्लांट्स के जगत से अपना संबंध रखते हैं या जंतु जगत से रखते हैं या अदर जो है मोनेरा और अदर प्रोटिस्टा, ये आपको बताना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बता रहे हैं आप जो है इसका, निमेटोड्स बिलोंग टू द विच किंगडम, बी ऑप्शन आया है सबसे पहले, किसका बी आया है, अनु, ओके रेडी लक्ष्मी महिमा बी एनिमेलिया, ओके तो आपको पता है ये कि एनिमेलिया, बट समटाइम कंफ्यूज होता है बिकॉज जो इनकी जो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी की जाती है, प्लांट पैथोलॉजी, ओके निमेटोलॉजी की जो स्टडी होती है प्लांट पैथोलॉजी के अंडर की जाती है, सो सम टाइम यू विल उसके जो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, ओके वायरस फंजाई, तो हम इनको क्या करते हैं निमेटोड्स को भी वहीं रखते हैं, तो इस टाइप से प्लांट पैथोलॉजी से थोड़ा रिलेटेड हैं ये, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वो प्लांटी जगत नहीं आता है, प्लांट पैथोजेंस होते हैं ये, बट ये एनिमल एनिमेलिया इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको कि हम AICRP के नाम से जानते हैं, और निमेटोड पेस्ट के जो होते हैं क्रॉप्स के एंड देयर कंट्रोल, कहाँ स्टार्ट हुआ था, दिस वाज स्टार्टेड एट IARI, ओके न्यू दिल्ली, सो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पे पूछा है कि इन विच ईयर, सो इन विच ईयर इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो आस्ड इन एग्जाम, सो क्या आपका आंसर आएगा, यहाँ पे विजय कुमार बी आंसर दिया है, सोहरन ठाकुर ए, गीतांजलि बी, गायत्री सी आंसर, अनिरुद्ध सेन इज गिवन करेक्ट आंसर, सी आंसर जिसने भी दिया है वो सही है, बहुत सारों ने 1966 दिया है जो कि गलत आंसर है, 1977 में इनका जो निमेटोड क्रॉप जो होते हैं पेस्ट करते हैं निमेटोड पेस्ट ऑफ क्रॉप्स उनके ऊपर इनका एक AICRP बनाया गया था, उससे पहले देखिए निमेटोड की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई थी, इसलिए इवन इन मेनी यूनिवर्सिटी जो निमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है वो पैथोलॉजी के एसोसिएशन में इसको रखा जाता है, बट उसके बाद इसको सेपरेट किया था, सेपरेट AICRP प्रोग्राम भी इसका चला है, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके एंड नेक्स्ट वन इज द निमेटोड पोजेसेस, निमेटोड क्या पोजेस करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, लेब्रम मैंडिबल स्टाइलेट या फिर ऑल ऑफ द अबव, निमेटोड के पास क्या होता है ये आपको ध्यान रखना कि उनका एक पार्ट होता है, इनसे कौन सा जो पार्ट है वो निमेटोड के पास होता है, लेब्रम मैंडिबल स्टाइलेट और ऑल ऑफ अबव, सो इसका आप आंसर करिए फटाफट, किसका आंसर आने वाला है, सबसे पहले देखते हैं कौन अच्छे से निमेटोलॉजी भी प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे आपके जो आंसर सही आएंगे इसका मतलब आप निमेटोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है, सो सी आंसर दिया है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द ने जर्नी ऑफ लाइफ महिमा, ओके एक्स्ट्रा ईरर विजय कुमार सी आंसर, ओके सो स्टाइलेट जो होता है इनका पार्ट होता है मैंडिबल और ये लेब्रम इंसेक्ट के पार्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो निमेटोड होते हैं ओके सो निमेटोड्स जो क्या होते हैं स्टाइलेट होती है, स्टाइलेट देखिए स्टाइलेट हमारे इंसेक्ट के अंदर भी होते हैं, किसके अंदर होती है जो पियरिंग एंड सकिंग टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर होती है, तो इस टाइप से जो निमेटोड क्या करते हैं सक करते हैं प्लांट को फॉर
ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एक सकिंग टाइप से ये क्या करते हैं, प्लांट को प्लांट के शेप में ये इस स्टाइलेट के थ्रू इनका जो इस टाइप से स्टाइलेट होता है यहाँ से स्टाइलेट को पेनिट्रेट करते हैं प्लांट में और वहाँ से उस शेप को सक करते हैं। देखिए, इसलिए जो निमेटोड होते हैं वो भी क्या करेंगे, वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। जितने भी जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो ज़्यादातर वायरस को ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज विच सिस्टम आर लैग्ड इन निमेटोड्स, निमेटोड के अंदर कौन सा सिस्टम अनुपस्थित होता है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। लैग्ड मतलब यहाँ पे अनुपस्थित होना। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी एंड नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एंड सर्कुलेटरी और रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी, कौन सा सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले किसका आता है, सबसे पहले जो आंसर आया है, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, अन्नू उन्होंने डी दिया है, एक्स्ट्रा इरर डी, विजय कुमार डी, जर्नी ऑफ लाइफ डी, किरण डी, सबका यानी मोहपात्रा जो है इन्होंने भी सही आंसर दिया है, रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका ये जो क्या होता है लैग्ड, यानी ये जो होता है अब्सेंट होता है निमेटोड के अंदर। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, वेरी मच मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जो एडिनोफोरा एंड सेसर नेंटिया, एडिनोफोरा एंड सेसर नेंटिया आर, ये क्या है, एक एडिनोफोरा और जो सेसर नेंटिया जो निमेटोड का जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ओके क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड, उसमें आपको ये मिलेगा कि ये क्या है, तो ये आइदर द किंगडम है, आइदर फाइलम है और क्लासेस हैं या फिर ऑर्डर हैं ये निमेटोड्स के। तो सूत्रकृमि का जब आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो एडिनोफोरा और सेसर नेंटिया जो होते हैं वो क्या है। सबसे पहले आंसर आया है यहाँ पे मोहपात्रा डी, किरण डी, धनंजय डी, ओके सूरजला सूरज एस डी, कुरवा डी, ओके। सो मोस्ट आपने जो दिया है यहाँ पे ऑर्डर दिया है, सॉरी ऑर्डर दिया है इन्होंने एडिनोफोरा एंड सेसर नेंटिया। सो बहुत लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक करी है। अब नाउ द आंसर इज कमिंग, अनिरुद्ध इज गिवन क्लासेस, ओके चिरासनी नागा सी आंसर, धनंजय कुशवा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा एडिनोफोरा और सेसर नेंटिया ये क्लास होती है फाइलम निमेटोडा, जो फाइलम निमेटोडा है उसकी ये क्या है, ये दोनों हैं क्लासेस, ओके ये दोनों जो क्लासेस होती हैं, ओके और इनके अंदर दूसरे ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो ये आपने गलती करी, मोस्ट ऑफ द गिवन रॉन्ग आंसर, नाउ कमिंग द करेक्ट आंसर, सो ये आपको ध्यान रखना। वन मोर थिंग, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो देखो इनकी दो क्लासेस हैं एडिनोफोरा और एज वेल एज सेसर नेंटिया, तो इनकी जो दो क्लासेस हैं इसमें मोस्ट ऑफ पीपीएन जो क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ पीपीएन मतलब प्लांट पैरासिटिक निमेटोड जो होते हैं सारे मोस्ट ऑफ द पीपीएन जो होते हैं सेसर नेंटिया से बिलोंग करते हैं इस क्लास से, और ये करते हैं प्लांट के अंदर डैमेज करते हैं। और जो एडिनोफोरा क्लास होती है उसके अंदर होते हैं ओनली फ्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं फीड करते हैं प्लांट के अंदर, और जो वायरस के जो वेक्टर होते हैं, ठीक है, जिफिनेमा आपने पढ़ा होगा, लोंजीडोरस, इस टाइप से ये उस ग्रुप से आते हैं, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट। और सेसर नेंटिया देखिए एक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो 99% जो निमेटोड्स होते हैं प्लांट को जो डैमेज करते हैं खाते हैं उनका सेप सक करते हैं इट इज सेसर नेंटिया, बट नो वन इज रिपोर्टेड दैट दे आर डू द ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, बट जो एडिनोफोरा है बहुत कम खाते हैं बट वो वायरस का ट्रांसमिशन करते हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीजेडएन का फुल फॉर्म, आईसीजेडएन का फुल फॉर्म आपसे आपको बताना है यहाँ पे क्या है, आप पढ़िए इसको अच्छे से, आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इलोबरेट करना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सूरज एस गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बट आप बहुत लेट ज्वाइन किया है आपने, ऑलरेडी हम एंटोमोलॉजी का पोर्शन कर चुके हैं, ओके आप जो हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा वो आप देख सकते हैं उसके लिए। सरोज जाट सी, अन्नू सी,
ओके, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर सब ने आंसर दिया है. ओके, सो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. देखिए आपको जो ये मैंने ऑप्शन यहाँ इसलिए रखा है कि ये भी सेम है, कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बट इंडियन, इट इज इंडियन. तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में. यू हैव टू क्लोजली लुक टू दोज क्वेश्चन, यू हैव टू रीड द फर्स्ट. सो व्हाट इज द आंसर, ओके, फॉर दैट. अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप गलत आंसर चूज करेंगे, और ये बहुत मोस्ट लोग करते हैं मिस्टेक. सी साइंस फैक्ट ए गिवन, ओके, सो इन्होंने अभी ए दे ही दिया है, वो गलती इन्होंने करी है. सो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ये आएगा, और ये इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल इवन कमीशन भी कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, ओके, ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ओके, जो कि क्या होता है, एक ICJN ये रूल्स एंड रेगुलेशन करता है. साइंटिफिक नेम अगर आप कुछ भी दोगे तो सारा आप जो रूल्स होते हैं वो इसमें होते हैं ICJN के अंदर. जैसे कि जीनस का नेम हमको कैपिटल लिखना है, फिर स्पीसीज का नेम स्मॉल लिखना है, फर्स्ट लेटर, इस टाइप से जो सारे जो नोमेनक्लेचर होते हैं वो इनके अंदर आते हैं. और ये जो होता है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, जो इसका एक मुख्य ज्योति है वो इसको गवर्न करती हैं. ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है. ओके, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आप बताइए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया है, एलोबरेट किया है कुरवा ने, गीतांजलि. ओके, गुड, यू हैव टू राइट सो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट दैट. ये भी आपको करना है, आपको लिखना भी है. जैसे आपका फुल फॉर्म, एक अलग आप चार्ट बना सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म फिर आपको लिखना है. सबसे पहला जो आंसर आया है इसमें महिमा का आया है, कार्ल लिनियस इन्होंने दिया है डी डी, काव्यश्री डी डी, और देखिए अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं, सुमरिन इज टेलिंग सी आंसर. ओके, जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस हैं. जो फादर ऑफ जो इन्होंने दिया है सी आंसर वो टेक्सोनॉमी है. ओके, एरिस्टोटल, ये आपको ध्यान रखना है. जो बास्टिन है वो यूरोपियन निमेटोलॉजी, और ये है अमेरिकन निमेटोलॉजी, और ये जो एरिस्टोटल है ये बायोलॉजी के फादर हैं. ठीक है, थीके? इस टाइप से ये आपको ध्यान रखना है. आपने गलत आंसर दिया है, जो क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल लिनियस इसका करेक्ट आंसर है. ओके, और देखिए ये जो कार्ल लिनियस है इनका फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ताकि आप रिमेम्बर कर सकें इसको. ओके, और बहुत मच इम्पोर्टेंट है, इनका एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी. ओके, जो सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बुक. ओके, ये पूछा जाता है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सिस्टेमा नेचुरी बुक इज रिटन बाय केरोलस लिनियस. इनका नाम देखिए केरोली लिनी इस टाइप से भी लिखा जाता है. ओके, और करेक्ट नाम भी इनका आपको पता होना चाहिए जैसा कि अभी हमने ऑप्शन में देखा था. और इनकी जो बुक है दिस इज मच इम्पोर्टेंट बुक. ओके, जिसका जी फर्स्ट एडिशन जो था 1735 में आया था, और जो इनका जो लास्ट जो 10th एडिशन है वो आया था 1758, और कभी कभी इवन ऑप्शन में ये भी दिया जाता है 1 जनवरी 1758 इनका जो 10th एडिशन था. ओके, तो वो वहाँ पे इस टाइम से लिया गया था. ठीक है, तो इवन कभी कभी आपको सन भी मिलते हैं कुछ ऑप्शन में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट है. दिस इज 10th एडिशन बिकॉज 1758 यहाँ पे लिखा है. सो दिस बुक इज 10th एडिशन. ओके, मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पूछा जाता है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे. यूजुअली निमेटोड मोल्ड्स, जो मोल्ड्स जो होते हैं, बट इन टीवी प्रसाद गिवन टेक्सोनॉमी के, और वो हो सकते हैं, हम आपको उसका बिल्कुल करेक्ट बता देंगे, बट इसका जो आंसर था वो कार्ल लिनियस ही था. ओके, एंड यूजुअली जो निमेटोड्स हैं, आप इसका आंसर करिए, कितनी बार मोल्टिंग करते हैं निमेटोड, बिकॉज ये भी आपको ध्यान रखना है कि निमेटोड भी मोल्टिंग करते हैं, यानी इंसेक्ट जो होते हैं वो भी मोल्टिंग करते हैं, निमेटोड भी मोल्टिंग करते हैं. ओके, सो ये आपका आंसर आया, इन्होंने डी आंसर दिया है. सबसे पहले गायत्री ने दिया है, अनिरुद्ध सेन 4 times, अनु 4 times,
काव्यश्री फोर टाइम्स, लक्ष्मी फोर टाइम, या सो सबका आंसर है फोर टाइम, इट्स करेक्ट आंसर, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक आपके लिए बहुत अच्छी स्लाइड बना के लाया हूँ, ताकि आप कभी भूल नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। जो निमेटोड्स होते हैं उनकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो एग होती हैं, एग्स होती हैं। एग्स के बाद जो क्या होते हैं इनके जुवेनाइल, जेवन मतलब जुवेनाइल, तो ये जो होते हैं जुवेनाइल, ये जुवेनाइल इनकी इमेच्योर स्टेज है, ठीक है, जो इमेच्योर इमेच्योर स्टेज इनकी होती है जुवेनाइल। जो जो फर्स्ट जुवेनाइल होता है उसको हम जेवन बोलते हैं, जेवन, ओके। जेवन जेवन क्या करेगा, एक बार मोल्टिंग करेगा, फिर जे टू में जाएगा, फिर जे टू वन मोर टाइम मोल्टिंग करेगा एंड देन जे थ्री में जाएगा, जे फोर वन मोर टाइम मोल्टिंग करेगा और जे फोर में जाएगा, और जे फोर लास्ट, दिस इज द लास्ट मोल्टिंग एंड ये जाएगा, या तो अडल्ट बनेगा मेल या फिर फीमेल अडल्ट ये बनेगा। तो इस टाइम ये कितनी बार मोल्टिंग कर रहा है, फोर टाइम मोल्टिंग, ओके, फोर टाइम मोल्टिंग। और वन मोर कितनी स्टेज है, सिक्स लाइफ स्टेजेस। आपको ये पूछना है, ये बताना है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी, एक्स जे वन जे टू जे थ्री जे फोर और अडल्ट बनेंगे, तो इसकी कितनी स्टेज होगी, छः हो गई स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जो मोस्ट ऑफ जो पीपीएन होते हैं, जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की जो जे टू स्टेज होती है वो इन्फेक्टाइल जुवेनाइल होता है, इन्फेक्टिव जुवेनाइल, मतलब जो जो प्लांट्स को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है सबसे पहले जाके, तो वो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पीपीएन हैव इन्फेक्टिव जुवेनाइल इन द स्टेज। सॉरी, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ उधर, तो यहाँ पे इसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जे टू हैं वो मैंने आपको वहीं बता दिया है, ओके, फॉर योर बेटर एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज द जे टू स्टेज, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट, वेन द पैरासाइट ग्रोथ इज गुड एंड होस्ट ग्रोथ इज पुअर, इट इज सेड टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मच इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये जो पैरासाइट ग्रोथ होती है प्लांट की, एज होस्ट की और एज वेल एज पैथोजन की, इनका रिलेशन पूछा गया है, किस टाइप से ये डेवलप होते हैं। आंसर आया है यहाँ पे बी, ओके, बी आंसर दे रहे हैं ये, आई थिंक ये प्रीवियस वन का दे रहे हैं, जे टू का, जे टू, ओके, जे टू इज द करेक्ट आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, बट फॉर द दिस क्वेश्चन you have to carefully, this Annu is given D first, okay, parasite growth is good and host growth is poor, okay, so Annu has given D, Reddy Lakshmi B इन्होंने दिया है, B दिया है, susceptible Manish Yadav, Gayatri D और journey of life D, okay, जो most आप given susceptible answer, so it is correct answer, और कुछ लोगों का गलत answer आया है, इवन आते भी जा ही रहा है अभी तक, तो इसके लिए मैंने आपको अच्छे से समझेंगे हम इसको, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जेआरएफ और इवन एसआरएफ में, ओके। सो होस्ट प्लांट पैरासाइट रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, सो दिस इज द होस्ट एंड द पैरासाइट एंड व्हाट इज द ग्रोथ, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है, अगर टॉलरेंट अगर कोई होगा होस्ट, तो वहाँ पैरासाइट की ग्रोथ क्या होगी, गुड होगी, ओके, और होस्ट की ग्रोथ भी गुड होगी, तो आपको ये याद रखना है, जी जी, ओके, जी जी, फर्स्ट ये आपको ध्यान रखना है, जो होस्ट मतलब गुड, जो देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आप भूल नहीं पाएंगे, जो पैरासाइट की ग्रोथ देखिए, पैरासाइट भी क्या हो रहा है, प्लांट को अच्छे से, प्लांट के अंदर अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और जो होस्ट है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो टॉलरेट कर रहा है, जो होस्ट है उसको टॉलरेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टॉलरेंट होस्ट। इनटॉलरेंट, अब देखिए इनटॉलरेंट में दोनों क्या रहेंगे, पीपी मतलब पुअर, दोनों होंगे पुअर होंगे, इनटॉलरेंट मतलब इनटॉलरेंट, असहिष्णु मतलब आप बिल्कुल किसी चीज को टॉलरेट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत भी कुछ बोल दिया जाता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मतलब वो इनटॉलरेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से जो इनटॉलरेंट होस्ट होगा वो क्या होगा, वहां पे पैरासाइट की ग्रोथ भी नहीं होगी और होस्ट की ग्रोथ भी नहीं होगी, मतलब उसके पास कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड लैंग्वेज ब्रो, क्वेश्चंस पेपर लैंग्वेज इन इंग्लिश, सो आपका मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ एक्सप्लेन अच्छे से आपको। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट जो होते हैं
उसमें जो पैरासाइट की ग्रोथ होती है, देखिए रेजिस्टेंस होस्ट ऐसे होते हैं जो पैरासाइट की ग्रोथ नहीं होने देंगे, तो वहाँ पुअर रहेगी और होस्ट की ग्रोथ क्या है, गुड होगी, ठीक है। और जो ससेप्टेबल हैं, ससेप्टेबल जो हैं पैरासाइट जो होंगे ऐसे, वहाँ उनकी गुड होगी और जो होस्ट होंगे वो पैरासाइट हो जाएंगे, मतलब ससेप्टेबल। जो प्लांट जो होगा अगर ससेप्टेबल कब होगा, जब उसके अंदर डिजीज हो जाएगी तो वो ससेप्टेबिलिटी को शो करेगी, मतलब वहाँ पर होस्ट की ग्रोथ कम होगी और पैथोजन की ग्रोथ ज़्यादा होगी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो, वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डीडी मिक्सचर, ये आपको बताना है डीडी मिक्सचर, व्हाट इज डीडी मिक्सचर, आइदर दिस इज द इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और बैक्टेरियासाइड और निमेटीसाइड, निमेटीसाइड। ओके, तो ये आपको बताना है ये क्या है यहाँ पे। और वन मोर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डीडी 136, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ईपीएन। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबका डीडी आंसर आया है, मोस्ट ऑफ गिवन गुड आंसर। ओके, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब निमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो शायद निमेटो का क्वेश्चन आपको पता चल गया है। ओके, बट जो डीडी मिक्सचर होता है वो एक निमेटीसाइड होता है। और वन मोर, डीडी 136 का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो डीडी 136 इज ईपीएन। ओके, एंटोमो पैथोजेनिक निमेटोड। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे सिस्ट निमेटोड, हेटेरोडेरा एंड ग्लोबोडेरा। सो सिस्ट निमेटोड, हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा होते हैं, वो क्या होते हैं, इनका नेचर पूछा है, सेडेंटरी एंडोपेरासिटाइड, माइग्रेटरी सेडेंटरी सेमी एंडो और माइग्रेटरी सेमी एंडो। सो ये आपको देना है, क्या आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, साइंटिस्ट साइंस फैक्ट्स ने ए दिया है आंसर। ओके, नेत्रा ने डी दिया है इस क्वेश्चन का, अच्छा ये पहले वाले का दे रहे हैं। कार्टर डिस्क्राइब द निमेटीसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ डीडी मिक्सचर, यस वेरी गुड, कार्टर ने इनकी निमेटीसाइडल प्रॉपर्टी खोजी थी। ए आ रहा है यहाँ पे गायत्री का, मोहपात्रा ए। ओके, सो ए आर गिवन बाय दिस मोस्ट ऑफ द, और जो सिस्ट निमेटोड होते हैं, देखिए इसका ऐसा साइज होता है, ये होते हैं सिस्ट निमेटोड, और जब ये एक ऐसे जो प्लांट होते हैं उनकी जब रूट से कनेक्ट हो जाते हैं एक बार में, तो ये क्या होते हैं, ये अंदर चले जाते हैं। ओके, इंटरनल, ठीक है, ये जो प्लांट के जो अंदर चले जाएंगे। ओके, और वहाँ पे ये फीडिंग जो सेल होती हैं उसको ये क्या करते हैं, बना लेते हैं, और उसके बाद कभी बाहर नहीं आते हैं ये, ठीक है। ये यानी सिडेंटरी मतलब आलसी, ठीक है, ये आलसी टाइप के, लेजी टाइप के होते हैं और अंदर जाके खाते हैं ये, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, फॉल्स रूट निमेटोड इज, कौन सा इसमें से फॉल्स रूट निमेटोड है ये बताना है आपको, जल्दी बताइए फटाफट इसका क्या आंसर आएगा। नेकोबस स्पीसीज, मेलेडोगाइनी स्पीसीज, हेप्लोलोमास स्पीसीज और आइदर बोथ ए और बी। मनीष यादव, बोथ वन, फॉल्स रूट निमेटोड, बोथ वन इज गिवन फॉर, गीतांजलि गिवन ए। ओके, और क्या दे रहे हैं आप आंसर, बीवेमुला ए, कावेश्री ए, ए ए सबका ए, साइंस फैक्ट्स डी दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके दोनों आंसर होते हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है, जो फॉल्स होता है, फॉल्स रूट निमेटोड, दैट इज नेकोबस, ठीक है, नेकोबस। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेकोबस जो है, एने जो कोब है उन्होंने निमेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है, एंड एनेकोबिस कार्ल्ड इज द फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी। ओके, और इफ वी कंसिडर द ओवरऑल, अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा ओवरऑल, सो दैट इज ऑल्सो एनेकोब ओनली द फादर ऑफ निमेटोलॉजी, सो इन ऑनर ऑफ द एनेकोब, ओके, सो द नेम इज गिवन नेकोबस, एन ए कोब, यू कैन सी हियर, एन ए कोब। ओके, फॉल्स रूट नॉट निमेटोड, जो रूट नॉट निमेटोड होते हैं, जो रूट नॉट निमेटोड जो होते हैं वो होते हैं मेलेडोगाइनी, ठीक है। तो जो आर्केन होते हैं मेलेडोगाइनी, उनसे ये मिलते जुलते हैं, बट ये फॉल्स हैं। ओके, स्यूडो, इनको हम फॉल्स या स्यूडो बोल सकते हैं, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सिस्ट निमेटोड, नेक्स्ट वन इज सिस्ट निमेटोड। ओके, सो व्हाट इज द सिस्ट निमेटोड, ग्लोबोडेरा, हेटेरोडेरा, पंक्टोडेरा और ऑल ऑफ अबव। ग्लोबोडेरा, व्हाट इज द ग्लोबोडेरा, जस्ट यू हैव टू टेल द आंसर, व्हाट इज ग्लोबोडेरा, आई एम रीडिंग हियर योर कमेंट। ग्लोबोडेरा, सॉरी, सिस्ट निमेटोड जो है आइदर हेटेरोडेरा, ग्लोबोडेरा और पंक्टोडेरा, इनमें से क्या ऑप्शन आएगा आपका, जल्दी से आप बताइए इसमें,
कमेंट करिए फटाफट किसका सबसे पहले आता है। रेडी लक्ष्मी हैज गिवन फर्स्ट, ओके एंड जर्नी ऑफ लाइफ सेकंड, डी नागारानी डी दिया, इन्होंने मोहपात्रा डी दिया है। सही आ रहा है आंसर सबका, ओके सो डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिस्ट निमेटोड होते हैं आप जानते हैं, ग्लोबोडेरा जो गोल्डन निमेटोड होते हैं, ओके आप जानते हैं इनको गोल्डन, ओके गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटेटो, ठीक है, और हेटेरोडेरा सिस्ट निमेटोड हम इनको बोलते हैं, ये सीरियल सिस्ट और अलग अलग टाइप से आते हैं। और वन मोर इनका जीनस है पंक्टोडेरा, ये भी जो है इनका ही ग्रुप है सिस्ट निमेटोड का, तो आप इसको याद रख सकते हैं जीपीएच एक बुक पब्लिकेशन है, ओके जो कि काफ़ी बुक्स वगैरह पब्लिश करती हैं जीपीएच पब्लिकेशंस, तो आप इसको याद रख सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं, ओके। जीआरएफ टाइम पे जब आप ऐसे याद करते तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, ओके। सो सिस्ट निमेटोड इज ग्लोबोडेरा पंक्टोडेरा एंड हेटेरोडेरा जीपीएच, ओके। नेक्स्ट अफेलेंकोइड्स बेसियाई इज, अफेलेंकोइड्स बेसियाई क्या है, एक ये साइंटिफिक नेम दिया है यहाँ पे, किस निमेटोड का ये साइंटिफिक नेम है, राइज रूट निमेटोड, रूट नोट निमेटोड, स्टेम निमेटोड और वाइट टिप निमेटोड, ओके तो ये आपको बताना है। क्या आंसर आ रहा है आपका, व्हाट इज द आंसर इज कमिंग, मनीष यादव डी 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 आ रहा है, मनीष यादव डी, ओके मोहपात्रा डी, सबने सही आंसर दिया है, वाइट टिप जो निमेटोड है, जो कि साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे वो भी आप बता सकते हैं शायद इसको, ओके वाइट टिप निमेटोड दस्तूर, ओके सो उन्होंने इसको निमेटोड का कंसिडरेशन आता है जब इस निमेटोड की जो वाइट टिप डिजीज है उन्होंने खोजा था, ओके अफेलेंकोइड्स बेसियाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे जो मैं एक स्लाइड आपके लिए लेके आया हूँ जो कि क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्लाइड में क्या है कि राइज के सारे निमेटोड दिए हैं, ओके राइज रूट निमेटोड, राइज रूट नॉट निमेटोड, ओके राइज स्टेम निमेटोड और राइज विथ टिप निमेटोड, ओके इस टाइप से, तो आपको एज ए कंपैरिजन करके पढ़ना है, तो आप गलत नहीं करेंगे कभी, ओके आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, वो आंसर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप अच्छे से उसको टिक करेंगे, ओके जैसे कि राइज रूट निमेटोड है हर्ष मेनियला ओराइजी, हर्ष मेनिया ओराइजी राइज रूट निमेटोड, राइज रूट नॉट निमेटोड, तो रूट नॉट, जब भी रूट नॉट निमेटोड आएगा मेलेडोगाइना आपको हमेशा याद रखना है, बट द स्पीसीज इज ग्रामेनिकोला। एंड राइज स्टेम निमेटोड, सो राइज स्टेम निमेटोड जो है डीटी लेंकस एंगस्टेटस, ओके एंगस्टस। एंड द राइज वाइट टिप जो निमेटोड है वो है अफेलेंकोइड्स बेसियाई जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, बहुत मच इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट दो है फुल फॉर्म ऑफ पीजीपीआर का यहाँ पे क्या फुल फॉर्म होगा, आप अच्छे से इसको बताइए जल्दी से पढ़ के, क्या इसका फुल फॉर्म आएगा आपको ये पता होना चाहिए, मच इम्पोर्टेंट। ओके सो डी आंसर आया यहाँ पे, डी गिवन, ओके यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ए बी सी डी, ओके आई फॉरगॉट टू मेंशन ऑप्शन, बट डी आपका सबका आ रहा है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ठीक है ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं, ओके मच इम्पोर्टेंट। ईपीएन किल्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईपीएन किल्स निमेटोड्स बैक्टीरिया वायरस और इंसेक्ट, ये आपको बताना है कि जो ईपीएन होते हैं वो किसको किल करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम सर जी डी आंसर आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ये पहले वाले का चल रहा है, आप बताइए जल्दी क्या क्या है, जर्नी ऑफ लाइफ डी, अच्छा अभी ये अभी का आंसर है, ओके डी सबका डी आ रहा है, वेरी गुड, ये ऐसे ही आपको पढ़ना है, ये इंसेक्ट को किल करते हैं, मैंने बताया था आपको ईपीएन एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड जो एंटोमो के अंदर डिजीज करते हैं और उनको किल करते हैं, ईपीएन जो निमेटोड प्लस बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया दोनों का एसोसिएशन होता है ये। निमेटोड्स इंसेक्ट के अंदर इंटर करते हैं, बैक्टीरिया को रिलीज करते हैं और बैक्टीरिया फिर निमेटोड को किल करता है, इंसेक्ट को किल करता है। सो दिस इज वेरी मच मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। ओके, फॉर जनरल एग्रीकल्चर माय कलीग डॉक्टर केसी अहिर विल कम एंड विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड विल जॉइन टुमारो ऑल्सो। ओके, थैंक यू। यस, अपन जनरल एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपको आता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। यस, नाउ वी विल स्टार्ट द जनरल एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन क्वेश्चन ऑफ द जनरल एग्रीकल्चर, विच वन इज द विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिटनेस। कौन सा ऐसा परीक्षण है जो गुडनेस ऑफ फिटनेस के लिए काम में लिया जाता है? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। विच वन इज योर राइट आंसर? विच टेस्ट इज यूज फॉर द गुडनेस ऑफ फिट? गुडनेस ऑफ फिट के लिए अपन कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं? यस, महिमा टोबी डी, गायत्री डी, मनीष यादव डी, यस, नागारानी डी। यस, योर आंसर इज करेक्ट। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज फॉर द यू कैन से गुडनेस ऑफ फिट और यू कैन से आल्सो यूज फॉर द होमोजिनिटी। होमोजिनिटी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द जनरली पेंडेमिथिलीन हर्बिसाइड यूज एज। पेंडेमिथिलीन हर्बिसाइड यूज होता है एज अ पीपीआई, पीई, पीओई, नन ऑफ द अबव। पीपीआई मीन्स द प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड, प्री प्लांट incorporated, PE means the pre-emergence and POE means the post-emergence। अर्थात PPI means जो फसल की बुवाई से पूर्व काम में लिया जाता है, PE अर्थात फसल की बुवाई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले, and POE यानी फसल के अंकुरण के बाद। यस, राजीव यादव गिविंग द आंसर। यस, महोपात्रा इज अ बी, रेडी गिविंग आंसर अ सी। ओ रेडी, कंफ्यूज हो चुके हो आप। यस यस, नेत्रा गिविंग आंसर बी, महिमा बी, नागारानी गिविंग आंसर बी। यस यस, महिमा टोबी गिविंग आंसर बी, मनीष यादव गिविंग बी। यस, योर राइट आंसर इज अ बी। इट मीन्स इज अ पेंडेमिथेलिन इज अ यूज एज अ प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में यूज आता है। और अगर अपन पीपीआई की बात करें तो एट अ फ्लू क्लोरेलिन, फ्लू क्लोरेलिन, फ्लू क्लोरेलिन जो है आपका एज अ पीपीआई के रूप में यूज होता है। एंड आपका पेंडीमिथेलिन, पेंडीमिथेलिन जो होता है आपका पीई के रूप में यूज होता है। एंड पीओई के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आएगा आपका इमेजा थाइपर, इमेजा थाइफर जो है वह आपका पीओई के रूप में यूज होता है। फ्लू क्लोरीन एंड पेंडेमिथेलिन बोथ द यूज एट द रेट ऑफ 750 ग्राम टू 1 केजी पर हेक्टेयर, और इन केस ऑफ इमेजा थाइपर इट इज यूज एट 75 टू 100 ग्राम पर हेक्टेयर। देन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द रेज यूज इन द रिमोट सेंसिंग आर। विच टाइप ऑफ रेज यूज इन द रिमोट सेंसिंग? फर्स्ट वन इज द इंफ्रारेड, सेकंड वन इज द फार रेड, थर्ड वन इज द वायलेट और यूवी रेस। कौन सी रेस जो है जिसका यूज जो है अपन रिमोट सेंसिंग के अंदर करते हैं?
जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। विच रेस यूज्ड फॉर द रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग के लिए कौन सी रेस जो है यूज की जाती है। यस महिमा टोबी गिविंग आंसर ऑफ ए, यस गायत्री ए, यस समीन ए, यस मनीष यादव गिविंग आंसर ए, यस योर आंसर इज राइट। इंफ्रारेड रेज आर यूज्ड फॉर द रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग के लिए इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। बायो 212 इज अ सोमा क्लोनल वेराइटी ऑफ, बायो 212 जो है यह किसकी सोमा क्लोनल किस्म के रूप में जानी जाती है। यस गिविंग योर आंसर, बायो 212 इज एन अ सोमा क्लोनल वेराइटी ऑफ अ विच क्रॉप। यस इस केस में आपका आंसर क्या होगा, या बायो 212 इज एन अ वेराइटी ऑफ अ विच क्रॉप। यस गिविंग योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द राइट आंसर। या यस मनीष यादव गिविंग आंसर ऑफ बी, नेक्स्ट यस समरीन आल्सो गिविंग आंसर बी, इट मींस द ब्रेसिका जुंशिया। यस कुशवा आंसर गिविंग अ बी, यस मोहित थैंक यू, यस महोपात्रा गिविंग आंसर डी, नो वन गिविंग द राइट आंसर। अभी तक जो है किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, और यहां पे जो आपका राइट आंसर जाएगा वह आंसर जाएगा आपका दैट इज द थर्ड वन, लेथाइरस सेटाइवस। लेथाइरस सेटाइवस की यह एक सोमा क्लोनल वेराइटी है। आंसर इज यूर सी वन इज राइट, नॉट अ बी वन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूसली टेक प्लेस इन अ विच पार्ट, पौधे के किस भाग में जो है वृद्धि निरंतर होती रहती है। गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स, विच वन इज द योर राइट आंसर, पौधे के किस भाग में जो है वृद्धि जो है वह आपकी निरंतर होती रहती है। यह क्वेश्चन आपसे यहां पे किया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए आप यहां पे। यस नागारानी गिविंग आंसर सी, यस मनीष यादव इज अ मेरिस्टेम, या यस अनु इज आल्सो गिविंग आंसर सी, महिमा टोबी गिविंग अ सी, यस योर आंसर इज राइट, यस रेडी इज आल्सो गिविंग आंसर राइट, यस मेरिस्टेम, मेरिस्टेम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट हैविंग अ कंटिन्यूअस ग्रोथ। मेरिस्टेम के अंदर जो होता है कंटिन्यूअस ग्रोथ जो होती है पौधे के अंदर होती है, और इवन आपको पता है कि वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने के लिए पौधे के कौन से भाग को यूज होता है, विच पार्ट ऑफ द यूज दैट इज द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम पार्ट इज यूज फॉर द गिविंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ वायरस फ्री प्लांट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज द अ लाइन ड्रोन ऑन अ मैप कनेक्टिंग प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल इज, वह रेखा जो दो स्थानों पर समान वर्षा को दर्शाती है उसे अपन किस नाम से जानेंगे। इट इज अ आइसोथर्म, आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोटॉप। प्लीज गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज योर राइट आंसर। द लाइन जोइंग द इक्वल रेनफॉल, यस यस महिमा इज गिविंग आंसर बी, रेडी गिविंग अ बी, यस अनु बी, यस 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 कुरुवा आंसर गिविंग अ सी, नो इट इज अ राइट आंसर इज अ यस मोहित कुमार माली, यस बी, यस योर राइट आंसर इज अ बी, दैट इज द आइसो हाइट, इक्वल रेनफॉल डिनोट्स बाय अ आइसो हाइट। देन द नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन इज अ एनसीआईपीएम स्टेब्लिश्ड इन, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित नाशक कीट प्रबंधन का जो नेशनल सेंटर है वह कौन से वर्ष में स्थापित किया गया है। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा। यस मोहित कुमार माली गिविंग आंसर बी, सेफना सना आंसर गिविंग बी, यस और लोग भी इस केस में आंसर दीजिए, इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा। यस अनु आंसर गिविंग अ नो, समरीन 1988, यस गायत्री गिविंग अ डी, ज्ञानी बी, अनिरुद्ध सेन डी, यस इस केस में राइट आंसर होगा आपका बी, 1988 के अंदर एनसीआईपीएम को जो है एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, इट मीन्स द 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर के अंदर कितना पानी आता है,
और आपको देना है ऑप्शन में एज अ क्यूबिक मीटर के अंदर आपको पूछा गया है, तो सोच समझ के आंसर दीजिए कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू इन अ क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में किसके इक्वल ये जाएगा, सोच समझ के यहां पे आंसर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ क्यूबिक मीटर। यस, मोहित कुमार माली गिविंग आंसर ए, महिमा टोबी इज आल्सो गिविंग आंसर ए, अनिकेत इज आल्सो अ, यस अनिरुद्ध सेन इज आल्सो गिविंग आंसर ए, रेड्डी इज आल्सो गिविंग आंसर ए, यस ऑल ऑफ यू आर गिविंग द आंसर इज अ रॉन्ग। आप द्वारा, सभी के द्वारा दिया गया आंसर आपका गलत है। देखिए मैं आपको यहां पे एक बात समझाता हूं कि अगर अपन 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है 1 लाख लीटर वाटर, 1 लाख लीटर वाटर। जब अगर अपन मेजरिंग यूनिट जो है अपनी लीटर में है तो उस केस में जो होगा आपका पानी जाएगा उसमें 1 लाख लीटर, लेकिन आपकी मेजरिंग यूनिट है किसमें, क्यूबिक मीटर में, तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर पानी आता है। तो आपको क्यूबिक मीटर में पूछा गया, अगर आपको लीटर में पूछते तो आप 1 लाख लीटर बोलते, आपका आंसर राइट जाता। आपको क्यूबिक मीटर में पूछा है तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर होता है, तो इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, 100 क्यूबिक मीटर। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझ लीजिए, इस केस में आंसर जो होगा आपका C1 राइट होगा, जो आपको पता होना चाहिए। ध्यान बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीमियम पेबल अंडर द PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स रेस्पेक्टिवली, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो प्रीमियम दर जो निर्धारित की गई है खरीफ और रबी फसलों के लिए, वह आपकी क्रमशः कौन सी है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस केस में आपका आंसर क्या जाएगा। यस यस मनीष आदर, यू आर गिविंग राइट आंसर इन दिस सेंस। यस यस समरीन आंसर गिविंग अ बी, या यस गायत्री आल्सो गिविंग आंसर बी, यस मनीष आदर आल्सो गिविंग आंसर बी, यस योर आंसर इज राइट। यह खरीफ एंड रबी के लिए जो पेबल प्रीमियम दर होगी आपकी 2% एवं 1.5% होगी रेस्पेक्टिवली, दैट इज योर राइट। एंड देन 5% फॉर द कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए जो आपकी प्रीमियम दर होती है वह 5% होती है, आपकी रबी के लिए, खरीफ के लिए होगी 2% और रबी के लिए होगी 1.5%। Then the next question, next one is the, in which agroclimatic zone of India the soils are mostly alluvial and are the prone to the floods? यानी भारत का कौन सा ऐसा जलवायु खंड है जहां पे जो होगी जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है, जहां पे पानी की भयंकर समस्या रहती है, वह आपका agroclimatic zone कौन सा है। Please give your answer in a comment box. What is your correct answer? Yes. 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 कौन सा ऐसा एग्रोक्लाइमेटिक जोन से इंडिया का जहां पे फ्लड प्रोन एरिया बना रहता है और सोइल्स जो होती है आपकी एल्यूवियल पाई जाती है। यस गिविंग योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। यस व्हाट इज योर राइट आंसर। यस महोपात्रा गिविंग आंसर सी, यस कुशवा आंसर गिविंग अ सी, समरीन वेदराय, यस वेदराय, यस यू आर राइट, योर आंसर इज करेक्ट। यस इस केस में आंसर आपका D1 जाएगा, दैट इज द लोअर गंगेटिक प्लेन जोन। लोअर गंगेटिक प्लेन के अंदर क्या होता है, पानी की समस्या ज्यादा रहती है, बारिश अधिक होती है और वहां पे जो होता है एल्यूवियल सोइल्स का निर्माण होता है और जहां पे फ्लड की समस्या भी रहती है। आंसर इस केस में जो जाएगा वह D1 जाएगा, नो सी नो ए नो बी। यस देन नेक्स्ट वन इज द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ड्यूरिंग द 2021 2021 के अनुसार जो कृषि विभाग, केंद्रीय कृषि विभाग जो है उसके अनुसार अनाज का उत्पादन जो है, फूड ग्रेन का जो उत्पादन जो है वह आपका कितना है।
Give your answer in a comment box. What is your right answer? Yes. Yes, Mahima Toby giving answer B. Gyan Talwar giving answer A. Gayatri giving answer D. Yeah. Samreen giving answer A. Yeah. Your right answer is A1. 305.44 million ton jo hai 2021 के अंदर assumption किया गया है कि food grain का production जो होगा इंडिया में इतना हो जाएगा. Yes, 297.50 जो है ये आपके 2019-20 19-20 का आपका आंकड़ा है और आपका अभी 2021 का जो होगा 305.44 मिलियन टन होगा जो आपको पता होना चाहिए. इसी के साथ जो है अपना ये सेशन पूर्ण हुआ. वेलकम कुलदीप. ओके सो वी बोथ थैंक्स ऑल ऑफ यू यू जॉइंड अस एंड लिसनड अटेंटिवली और आई होप दैट आप ऐसे ही हमको ज्वाइन करते रहें. आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें. और मैंने भी देखा है, आई ऑल्सो हैव सीन दैट जनरल एग्रीकल्चर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, आपका बिल्कुल क्वेश्चन रॉन्ग होते जा रहे हैं. सो यू नीड टू रीड जनरल एग्रीकल्चर वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू बी अटेंटिव फॉर देट ऑल्सो, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट के द्वारा ही आपकी रैंक आएगी जेआरएफ के लिए. अगर आप इफ यू विल लीव एनी वन सब्जेक्ट सो यू विल लूज दैट द फेलोशिप. आई एम श्योर दैट यू कैनॉट गेट बाई यूजिंग टू सब्जेक्ट और वन सब्जेक्ट. आपको ये भी पढ़ना है. ओके सो आप ऐसे हमको सपोर्ट करिए और इस टाइप से आप इसको शेयर करना और हम आपके लिए जो कल हमारा जो लास्ट डे ऑफ डेमो क्लासेस रहेगा उसको और अच्छे से हम लेके आएंगे. और वन मोर थिंग, जो कैंडिडेट अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी हमसे, वो हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपका जो कंटेंट इस एप्लीकेशन में किस टाइप से कंटेंट होगा, और तो वो हम बिल्कुल आज अपलोड कर देंगे उनके लिए. और वन मोर थिंग, कुछ हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो एप्लीकेशन हाउ टू यूज़ द एप्लीकेशन दे आर नॉट गेटिंग. आई थिंक दे हैव नॉट सीन द इंट्रोडक्शन वीडियो. सो काइंडली सी द इंट्रोडक्शन वीडियो एज वेल एज वन मोर PDF आई विल सर्कुलेट इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स. सो बाई यूजिंग दैट PDF फाइल ऑल्सो यू कैन नो दैट हाउ टू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड ऑल अदर थिंग्स. ओके सो प्लीज ज्वाइन अस फॉर टुमारो सेशन ऑल्सो एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड मिलते हैं फिर कल आपसे अच्छे से. okay? इसी प्रकार से आप जुड़े हुए रहो और अपन जितना अच्छा प्रयास होगा आप लोगों के लिए किया जाएगा. आज अपनी क्लास 2 घंटे 45 मिनट तक चली, 245 hours जो है आज अपनी क्लास रन हुई है. और मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है अपन ने कवर करने का प्रयास किया है. कल भी आपके लिए बहुत ही इसी प्रकार से मजेदार क्लास हम आपके सामने लेके आने वाले हैं. आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो आपका एंटोमोलॉजी से जो तैयारी कर रहे हैं, GRF SRF जितने भी एंटोमोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बीच आप इसको पहुँचाने का प्रयास करें. तब तक के लिए और यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगा. मनीष यादव बोल रहा है, आई एम नॉट अलो इन GRF, सो आइदर व्हेन यू विल अलो सो इट विल हेल्प यू, डोंट वरी. आपको ये बिल्कुल हेल्प करेगा. अभी आप शायद थर्ड ईयर में होंगे या सेकंड ईयर में होंगे, बट दिस प्रैक्टिस विल डेफिनेटली विल बेनिफिटेड यू. सो आप इसी टाइप से जुड़िए और अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए और साथ रहिए आप अच्छे से और अच्छे से तैयारी करते रहिए. ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच.